आगे बात करते हैं ट्रांजिस्टर के बारे में। ट्रांजिस्टर जो है ये एक थ्री टर्मिनल डिवाइस होती है। थ्री टर्मिनल डिवाइस का मतलब इससे तीन तार निकले हुए रहेंगे, ठीक है। यूज़ इसके जो है वो भी देखेंगे कि भाई क्या यूज़ होता है। एक तो ये एसी सिग्नल्स के एम्पलीफिकेशन के काम आता है, दूसरा जो है ये स्विच की तरीके से काम आता है कि कहीं पे कोई सर्किट है उसको ऑन करना है, ऑफ करना है, कोई बल्ब है उसको जलाना है, बुझाना है, ठीक है। तो हम जो है वो ट्रांजिस्टर के थ्रू जो है एक स्विच बना सकते हैं जो किसी दूसरे सर्किट को कंट्रोल करता है, उसको ऑन या ऑफ करता है, ठीक है। तो मैंने कहा पहले जनरल ट्रांजिस्टर के बारे में बात कर ली जाए। तो ट्रांजिस्टर जो है उसमें क्या होता है कि हम दो टाइप के ट्रांजिस्टर पढ़ते हैं, एक होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर। अच्छा क्या है भाई एनपीएन ट्रांजिस्टर? इसमें आप क्या करते हो, जैसे नाम से क्लियर हो रहा है, इधर एक एन टाइप रीजन लेते हैं, फिर एक पी टाइप सेमीकंडक्टर का रीजन लेते हैं और इधर एक एन टाइप फिर से ले लेते हैं, एन पी और एन। ये जो है आपने किसी जगह पर एक सेमीकंडक्टर को लेके ऐसे क्रिस्टल जो है वो बनाया। अब जो क्रिस्टल बनाया है उसमें फिर वही डायोड की तरीके से, जैसे डायोड में आपको बताया था कि ये नहीं कि बस पी और एन को आपस में चिपका दिया और बन गया पी एन जंक्शन, नहीं। जब आप वो क्रिस्टल बना रहे थे, फैब्रिकेट कर रहे थे, उसी समय ही आपको इधर पी और इधर एन जो है वो करना पड़ेगा, सो दैट जो जंक्शन है वहाँ पर जो सिलिकन का क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसकी कंटिन्यूटी मेंटेन रहे, क्रिस्टल स्ट्रक्चर में जंक्शन पर डिफेक्ट नहीं आना चाहिए। उसका कारण भी मैंने बताया था कि दो प्रकार के चार्ज कैरियर्स होते हैं, एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे होल्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स को इधर उधर जाने में कोई क्रिस्टल स्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं है, बट जो होल्स होते हैं वो तभी प्रॉपरली मूव कर पाते हैं जब क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है उसमें कोई डिफेक्ट नहीं होता है, चाहिए। तो यहाँ पर जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो सिलिकॉन वाला चल रहा है, वो ये यहाँ पे देखे आपको दो पीएन जंक्शन दिखाई दे रहे हैं कि ये वाला है कि ये वाला, तो वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है वो उसकी कंटिन्यूटी मेंटेन रहना चाहिए, उसमें कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। अब कैसे बनाओगे हमें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इस टाइप का एक क्रिस्टल बना लिया जिसमें इधर एन टाइप सेमी कंडक्टर है, फिर पी टाइप और इधर क्या एन टाइप। इस तरीके से कहते हैं कि दो एन टाइप के बीच में एक पी टाइप की लेयर बीच में दबी हुई है। अच्छा हम लोग इससे एक तार खींच लेते हैं, इधर एक तार इससे खींच लेते हैं, एक तार इससे खींच लेते हैं, चाहिए। और ये बन गया एनपीएन ट्रांजिस्टर। अब इसमें एक चीज दिखाते हैं, यहाँ पर एन प्लस। एन प्लस का मतलब क्या है? हैवीली डोप्ड, चाहिए। ये हालांकि ऐसे लिखा नहीं जाता है बस, लेकिन ये यहाँ पर मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये याद रहे कि ये एक जो दो एन टाइप रीजन्स हैं उनमें से एक एन को आपको हैवी डोपिंग करनी पड़ती है। और जो बीच में पी है इसको मैं लिख देता हूँ पी माइनस, इसका मतलब क्या हो गया? लाइटली डोप्ड। हालांकि ऐसा लिखा नहीं जाता, कहीं नहीं लिखा जाता है, कहीं आपको नहीं मिले, मैं अपने बस आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि एन प्लस का मतलब ये क्या होगा, हैवी डोपिंग होगी। एन में क्या होता है, एन में आपके फास्फोरस की डोपिंग करी जाती है तो फास्फोरस का कंसंट्रेशन बहुत हाई रखा जाएगा। पी में एल्युमिनियम की डोपिंग करी जाती है तो यहाँ पर जो एल्युमिनियम का कंसंट्रेशन है वो बहुत कम रखा जाएगा, नाम मात्र का जो है वो कंसंट्रेशन इसका रखा जाएगा, ठीक है। तो एन प्लस का मतलब हो गया हैवी डोपिंग, ठीक है, हैवीली डोप्ड। पी माइनस का मतलब हो गया लाइटली डोप्ड। अच्छा अब हम क्या कहते हैं कि ये जो यहाँ पर एन पी एन बना रहे, इसमें एक और काम मैं करूँगा, ये आमतौर पर ऐसे नहीं बनता है लेकिन मैं वैसे बनाऊँगा। इसमें ये इधर वाला एन जो है ये है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इधर वाले एन को ये थोड़ा सा बड़ा करके दिखा दे रहा हूँ, और ऐसे कर देता हूँ मैं इधर और खिसका देता हूँ इसको यहाँ पर, ठीक है, कि ये एन प्लस है, ये पी माइनस है, ठीक, और इधर एन है। उसमें भी मैं देखो और क्या करने जा रहा हूँ, इसमें मैं यहाँ पर ये ऐसे दिखाता हूँ, इधर एन प्लस, यहाँ पर है पी माइनस और ये एन,
ठीक है, और ये तार यहाँ से निकाल लिया, एक तार यहाँ से निकाल लिया। अब ये जो मैंने रिप्रेजेंटेशन करी है ये इस तरीके से करिए कि आपको याद रहे कि भाई क्या खास बात होगी। ये हैवली डोप्ड होगा, ये लाइटली डोप्ड होगा, ये नॉर्मल मॉडरेट डोपिंग। ठीक, ये देखो ये यहाँ पे ये बहुत पास पास दोनों जंक्शन दिखाए, इसका मतलब जो ये बीच में पी टाइप रीजन है ये बहुत ही पतला होगा, बहुत थिन होगा, सही है। और एक चीज जो ये दिखाई है ये इतना बड़ा सा दिखाया है, इसका मतलब ये वाला जो है जो मॉडरेट डोपिंग वाला है इसका साइज काफी बड़ा होगा इन कंपैरिजन टू दिस एंड दिस। नॉर्मली जो एनपीएन ट्रांजिस्टर आपको कहीं पे भी बना हुआ देखने को मिलेगा वो नॉर्मल ऐसे ही देखने को मिलेगा, इधर एन इधर एन और बीच में क्या पी, इस टाइप से। और फिर अलग से उसके बारे में बातें बताई जाती हैं कि भाई ये हैवी डोपिंग है, ये लाइट डोपिंग है, ये मॉडरेट डोपिंग हो गई, ये बहुत पतला होता है, इसका साइज बहुत बड़ा होता है। हमने क्या किया, हमने अपना एनपीएन स्टाइल से बनाया ताकि आपको ये बातें याद रहें। वैसे ये है तरीका बनाने का, आप ऐसे नहीं बनाएंगे, कोई आपसे कहेगा एनपीएन जंक्शन बनाओ तो आप ऐसे बनाओगे तो ये ठीक नहीं है, आपको ऐसे ही बनाना है। ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए बनाया है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये जो है ये वाला, इसको हम लिखते हैं ई, इसको लिखते हैं बी और इसको लिखते हैं सी। ये काम करता हूँ, ये पी माइनस अंदर ही लिख देता हूँ, वो बाहर लिखा हुआ थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, पी माइनस, ठीक है। इसको लिखते हैं ई, इसको लिखते हैं बी, इसको लिखते हैं सी। ई का मतलब होता है एमिटर, बी का मतलब होता है बेस और सी का मतलब होता है कलेक्टर, ठीक है। ये नाम याद रखने होते हैं। अच्छा, एमिटर हैवली डोप्ड है और जो बेस है वो लाइटली डोप्ड है, और एन का मतलब हो गया मॉडरेटली डोप्ड, मॉडरेटली डोप्ड ये कौन हो गया, कलेक्टर, सही है। और यहां पर ये दिखाया है कि जो बेस है ये वेरी थिन होना चाहिए, बहुत पतला होना चाहिए, जितना मिनिमम पतला बना सकते हो उतना पतला बना दीजिए, ठीक है। और जो कलेक्टर है वो लार्ज साइज का होना चाहिए। अच्छा ठीक है भाई, चलो बना दिया ऐसे करके, ये सारी चीजें हो गई। अब ये सब क्यों किया है, कैसे किया है, वो कुछ एक आध के बारे में बात हम कर सकते हैं, लेकिन हमें इससे ज़्यादा मतलब नहीं है कि ऐसा क्यों किया है, लेकिन हमें इन बातों को याद रखना है, दैट्स इट, ठीक है। अब क्या होता है, अब ये जो हमारे पास ट्रांजिस्टर है इसमें हम क्या करते हैं कि इसको अपने इस्तेमाल में लाने के लिए, कि ये जैसा हम सोचते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई हम ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करेंगे किसी एसी सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए, ठीक है। एसी सिग्नल था, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज थी और जो एम्पलीट्यूड है वो 1 मिली वोल्ट था। आप उसकी फ्रीक्वेंसी को उतना ही रखना चाहते हैं 50 हर्ट्ज, और जो एम्पलीट्यूड है वो 1 मिली वोल्ट से बढ़ा के 100 मिली वोल्ट करना चाहते हैं, चाहिए, तो आप उसमें ट्रांजिस्टर का यूज़ करेंगे और कहेंगे कि ये हम एसी सिग्नल का एम्पलीफिकेशन कर रहे हैं। अब ट्रांजिस्टर हमारे काम के लायक बन सके उसके लिए हमें पहले ट्रांजिस्टर की कुछ सेटिंग करनी पड़ती है, चाहिए, ट्रांजिस्टर को कुछ सेट करना पड़ेगा, उसके बाद उसको अपने इस्तेमाल में लेना है। अच्छा जी, तो जब ट्रांजिस्टर की सेटिंग करते हैं हम, तो ट्रांजिस्टर की सेटिंग का क्या मतलब है, यहाँ कोई नॉब तो है नहीं कि जो घुमानी हो। ट्रांजिस्टर की सेटिंग का मतलब है कि यहाँ पर ये जो एमिटर बेस और कलेक्टर से तार खींचे हुए हैं इन पे कुछ वोल्टेजेस अप्लाई करना, ठीक है, इन पे कुछ वोल्टेजेस अप्लाई करना। तो पहले आपको ये बताया जाएगा कि भाई जैसे हम इस जगह पर दो पीएन जंक्शन देख रहे हैं, एक पीएन जंक्शन ये है इसको कह सकते हैं एमिटर और बेस का जंक्शन, और एक पीएन जंक्शन ये है इसको क्या कह सकते हो, कलेक्टर और बेस का जंक्शन। तो ये जो दोनों जंक्शन है इनकी बायसिंग करी जाती है। बायसिंग ये कहाँ से आ गई, अरे वही पीएन जंक्शन वाली बायसिंग, फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस, तो वो बायसिंग जो है इन दोनों जंक्शंस की करी जाती है।
तब हम इस ट्रांजिस्टर को अपने काम के लायक बनाते हैं, फिर उससे काम कैसे लेते हैं वो बाद की बात है। सही है। तो आपको ये बताया बायसिंग ऑफ ट्रांजिस्टर। अच्छा, तो ट्रांजिस्टर का बेसिक सेटअप कुछ वोल्टेजेस वगैरह लगा के सो दैट ट्रांजिस्टर हमारे काम के लायक बन सके। तो आप क्या कहते हो कि जो ट्रांजिस्टर में दो जंक्शन दिखाई दे रहे हैं, एक एमिटर बेस जंक्शन दिखाई दे रहा है आपको, पीएन जंक्शन है। अब पीएन जंक्शन को मैं कह रहा हूं कि कुछ बायसिंग करनी है, तो क्या दो ही होती है, या तो फॉरवर्ड बायस करोगे या रिवर्स बायस। तो इसमें जो एमिटर बेस जंक्शन है उसको आपको करना है फॉरवर्ड बायस, और जो कलेक्टर बेस जंक्शन है उसको आपको करना है रिवर्स बायस। ठीक है, हमने ये बात अपनी याद कर लेनी है कि भाई दो जंक्शन होते हैं ट्रांजिस्टर में, दो पीएन जंक्शन होते हैं ट्रांजिस्टर में, एक एमिटर बेस जंक्शन और दूसरा कलेक्टर बेस जंक्शन। एमिटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करना है और कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस करना है। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, उसकी बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहते हैं, हम नहीं डिस्कस करना चाहते हैं, क्योंकि ट्रांजिस्टर अपने आप में बहुत बड़ी फील्ड है, कोई एंड नहीं है। जहाँ तक आप चाहो तो डिस्कशन कर लो, हमें उसमें नहीं जाना, हमें सिर्फ अपने काम की कुछ चीज़ें जो है देख लेनी है, और अगर ना समझ में आए तो याद कर लेनी है। ठीक है, सही है, क्योंकि इसको ज़्यादा समझने में टाइम बहुत लगता है और हाथ में कुछ आता नहीं है। सही है ना। तो इसीलिए जो है हम कहते हैं कि भाई ये एमिटर बेस जंक्शन उसको करना है फॉरवर्ड बायस, और कलेक्टर बेस जंक्शन उसको क्या करना है रिवर्स बायस। अब एमिटर बेस जंक्शन को आप फॉरवर्ड बायस कैसे करेंगे वो देखिएगा, एमिटर बेस कलेक्टर, ठीक। एमिटर कौन है पी, सॉरी एमिटर कौन है एन, बेस कौन है पी, और इधर कौन है एन। एमिटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस कैसे करोगे, ऐसे। सही है नहीं सही है, देख लीजिए। और कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस कैसे करोगे, ऐसे। बताइए कोई दिक्कत। ये देखो ना, ये बैटरी लगाई है, ये पी साइड को हाई पोटेंशियल पर और एन साइड को लो पोटेंशियल पर कर रही है, तो ये क्या हो गया, एमिटर बेस जंक्शन की फॉरवर्ड बायसिंग हो गई, और इधर जो कलेक्टर बेस जंक्शन है उसकी क्या हो गई है, रिवर्स बायसिंग हो गई है, क्योंकि आप ये बैटरी लगा के एन साइड को हाई पोटेंशियल पे और पी साइड जो है उसको लो पोटेंशियल पे डाल रहे हो। तो इस तरीके से जो है हम इसकी बायसिंग करते हैं। जब बायसिंग करते हैं तो ये जो एमिटर बेस जंक्शन है ये फॉरवर्ड बायस है, ये सबसे पहले काम करना शुरू करता है, और किसी भी पीएन जंक्शन को अगर फॉरवर्ड बायस करोगे तो उस पीएन जंक्शन को बड़ी संख्या में मेजॉरिटी कैरियर्स क्रॉस करने लगेंगे। बड़ी संख्या में मेजॉरिटी कैरियर्स क्रॉस करने लगेंगे। अब एक बात बताओ, इसमें मेजॉरिटी कैरियर कौन है, इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। इसमें मेजॉरिटी कैरियर कौन है, होल। अब इसको किया है तुमने हैवी डोपिंग, इसकी करी है लाइट डोपिंग, तो इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या होगी बहुत ज्यादा, और इसमें जो होल है वो ठीक है मेजॉरिटी कैरियर होंगे बट इतने ज्यादा नहीं होंगे जितने इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन भरे हुए, समझे। तो यहां पर जो ये एमिटर बेस जंक्शन है इसको जब हम फॉरवर्ड बायस करेंगे तो मेजॉरिटी कैरियर्स इस जंक्शन को क्रॉस करेंगे। मेजॉरिटी कैरियर का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉनों का इधर से इधर जाना और होल्स का उधर से इधर आना। मैं कहूंगा कि यार होल्स का उधर से इधर आना हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हमने इसकी हैवी डोपिंग करी है और इसकी लाइट, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज़्यादा है, इसके अंदर होल्स हैं ज़्यादा लेकिन उतने नहीं है जितने इसमें है, तो क्या होगा, इसमें से अगर 10 करोड़ फ्री इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएंगे, इसमें 10 लाख होल इधर से इधर आएंगे। अब 10 करोड़ लोग इधर से इधर गए, 10 लाख लोग इधर से इधर आए, तो आप ओवरऑल 10 करोड़ लोगों को ही देखोगे, ठीक है। तो हम इसमें मोटे तौर पर ये मानेंगे कि जब इसकी फॉरवर्ड बायसिंग करेंगे तो बड़ी संख्या में फ्री इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एमिटर से बेस में घुसने लगेंगे, होल भी आएंगे उधर से इधर बट उनकी संख्या होगी कम। हमने कहा हम चीजों को मोटे तौर पर समझना चाहते हैं, तो इसलिए हमने वो होल का उधर से इधर आना उस प्रोसेस उस चीज को यहां पे नहीं दिखाया है, फ्री इलेक्ट्रॉनों का इधर से इधर जो जाना है फॉरवर्ड बायस करने पर वो दिखाया है। चाहिए,
अब जैसे ही ये फ्री इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन इधर आए जब तक, अच्छा, और फिर ये पहुंचे इस बेस में। बेस था बहुत पतला, बेस बहुत पतला रखा गया था। बेस पतला इसलिए रखा गया था सो दैट जैसे ही इधर से बड़ी संख्या में फ्री इलेक्ट्रॉन बेस में घुसे इस जंक्शन को क्रॉस करके, वैसे ही उन्हें सामने दूसरा जंक्शन दिखाई देने लगे। फ्री इलेक्ट्रॉन उधर से इधर घुसे, या घुसते ही उन्होंने कहा यार ये एक दूसरा जंक्शन आ गया। अब ये मन में सोचेंगे कि हम इस जंक्शन को क्रॉस करें या ना करें। तो ये जंक्शन तो हमने रिवर्स बायस कर रखा है। रिवर्स बायस में क्या होता है? रिवर्स बायस में तुम मेजॉरिटी कैरियर्स को जंक्शन क्रॉस करने को मना करते हो। फॉरवर्ड बायस में तुम मेजॉरिटी को कहते हो जाओ इधर से उधर, और रिवर्स बायस में तुम मेजॉरिटी को मना करते हो, माइनॉरिटी से कहते हो तुम जाना चाहो तो जाओ आराम से जंक्शन क्रॉस करो। माइनॉरिटी बहुत जरा से होते हैं, इस चक्कर में करंट वरेंट फ्लो हो नहीं पाती है। चाहिए, ये तो आपको डायोड से मालूम है। अब यहां क्या हुआ कि जैसे ही ये फ्री इलेक्ट्रॉन इधर घुसे और इस जंक्शन के पास में पहुंचे, जंक्शन ने से पूछा इन्होंने कि भाई तुम्हारा क्या मामला है, किसको इधर उधर जाने को प्रमोट कर रहे हो तुम? तो जंक्शन ने कहा कि जो माइनॉरिटी कैरियर है वो जाए जंक्शन को इधर उधर क्रॉस करें, हम तो उसको बड़ा अच्छा मानेंगे। तो फ्री इलेक्ट्रॉनों ने बेस में जब घुस गए तो इन्होंने अपने आप से पूछा कि भाई हम यहाँ पे मेजॉरिटी कैरियर हैं या माइनॉरिटी कैरियर हैं? तो इन्हें बताया गया कि जब तक तुम एमिटर में थे तब तक तो तुम मेजॉरिटी कैरियर थे, और जैसे ही तुम बेस में घुस गए, ये पी टाइप रीजन है, तो यहां तुम मेजॉरिटी कैरियर नहीं कहलाओगे, यहां तुम कौन कहलाओगे? माइनॉरिटी कैरियर। और ये जंक्शन माइनॉरिटी कैरियर्स को अपने को क्रॉस करने को फैसिलिटेट कर रहा है, कह रहा है हाँ माइनॉरिटी कैरियर्स आइए और मेरे को क्रॉस करिए। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां घुसेंगे ये सोच के कि हम मेजॉरिटी कैरियर हैं तो इसलिए हमें यहां फॉरवर्ड बायस जंक्शन को क्रॉस करना चाहिए, तो फिर यही इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन इस जंक्शन को भी इमीडिएट क्रॉस कर जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वहां पहुंच के उन्हें लगेगा कि हम माइनॉरिटी कैरियर हो गए, और ये जंक्शन रिवर्स बायस है तो हम माइनॉरिटी कैरियर्स को इस रिवर्स बायस जंक्शन को पार कर जाना चाहिए। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन यहां से क्या होगा, इधर पहुंच जाएंगे। तो एमिटर और कलेक्टर जो नाम है वो भी यहां से क्लियर होता है। एमिटर कौन? जो चार्ज कैरियर्स को एमिट कर रहा है, फेंक रहा है बड़ी तादाद में, और कलेक्टर कौन? जो उनको कलेक्ट कर रहा है। चाहिए, अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन यहां पर ऐसे फ्लो होने लेंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज जब बड़ी संख्या में इधर से उधर आएगा तो समझो करंट फ्लो होने लगेगी। तो नेगेटिव चार्ज ऐसे जाएगा तो यहां पर करंट फ्लो होगी ऐसे आई, क्या सी, यहां करंट क्या फ्लो होगी आई बी, सॉरी आई ई। चाहिए, अरे निगेटिव चार्ज का इधर से इधर जाना मतलब जो पॉजिटिव चार्ज का उधर से इधर आना। अब ये करंट बराबर नहीं लिखी गई है। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यहाँ एक तार खींचा हुआ है, इस तार से भी कुछ करंट आ जा सकती है, होगा, इस तार का भी कुछ यूज होगा। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ से बहुत बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉन उधर जाएंगे, करोड़ों अरबों की तादाद में फ्री इलेक्ट्रॉन इधर से उधर भाग रहा है, बीच में पड़ा बेस। अब बेस कोई खाली जगह तो है नहीं, बेस क्या है, पी टाइप रीजन है, उसमें थोड़े बहुत होल हैं। तो जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन इधर से उधर भागेंगे बेस को पार करते हुए, तो कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जो यहां से यहां जाने जाते समय बीच में पतली सी जगह है, तो लेकिन वो क्या करेंगे, यहां मौजूद होल से इंटरेक्ट करके कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन होल से रिकम्बिनेशन कर लेंगे, ठीक है, और वो इसी रीजन में रह जाएंगे। तो इस रीजन में नहीं रहेंगे, वो यहां से इधर निकल जाएंगे, ठीक है। तो वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन थोड़े से, मान लो 100 फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले, एक फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ रह गया और 99 उधर चले गए, तो उस एक फ्री इलेक्ट्रॉन के चलते यहाँ पे करंट फ्लो होने लगेगी। तो वो इलेक्ट्रॉन ऐसे आएगा, इलेक्ट्रॉन है निगेटिव चार्ज ऐसे आएगा, तो करंट कैसे फ्लो होगी, ये हो गई बेस करंट, ये कलेक्टर करंट, और ये क्या हो गई, एमिटर करंट। अगर आप जंक्शन ला लगाएंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि आई ई की वैल्यू क्या होगी, आई सी प्लस आई बी। और दूसरी बात, जो आई बी है
वो आईसी और आईई से क्या होगा, बहुत छोटा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या यहाँ से वहाँ जा रही थी उसमें से मात्र थोड़े से 1-8% इलेक्ट्रॉन ही यहाँ पर रुक के इधर करंट फ्लो कराएंगे, बाकी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इधर से उधर चले जाएंगे। और आईई और आईसी में बड़ा कौन होगा, आईई की वैल्यू आईसी से थोड़ी सी बड़ी होगी, समझे। ये अगर यहाँ पर करंट 4 एम्पियर फ्लो हो रही है, यहाँ पर करंट 3.99 एम्पियर, यहाँ पर करंट 0.01 एम्पियर, ठीक है, समझे। तो ये छोटी सी बात है। अब सोचने को इस पर बहुत सोचा जा सकता है, बच्चे तमाम, अरे ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, बट हमें मतलब नहीं है। हम मोटे तौर पर सिर्फ यहाँ जो हो रहा है उसको समझना और याद करना चाहते हैं, ठीक है। बहुत डिटेल में जो भी प्रोसेस चल रहे हैं उन पर नहीं जाना चाहते, ठीक है। तो आप इतनी बात जो है वो नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे देखेंगे। चाहिए ये इस टाइप से, ये हमारा NPN ट्रांजिस्टर है, और इस ट्रांजिस्टर जो है इसका एक जो साइड, इससे तीन तार निकले हुए होंगे। ये वाला जो तार है ये हो गया एमिटर, ये हो गया बेस, और ये हो गया कलेक्टर, ठीक। अब ये जो बेस एमिटर जंक्शन है इसको हमें करना होता है फॉरवर्ड बायस, और जो कलेक्टर बेस जंक्शन है इसको हमें करना होता है रिवर्स बायस। इस टाइप से जो है हम लोग इसकी बायसिंग करते हैं, और बायसिंग करने के बाद यहाँ पर जो मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो इधर से भागते हैं, शुरुआत करते हैं, यहाँ घुसते हैं और फिर इधर से पार निकल जाते हैं। तो ऐसे में करंट जो है वो फ्लो होती है, इधर करंट आई ई, इधर करंट आई सी, और ऐसे करंट आई बी। जंक्शन लॉ के हिसाब से आई ई बराबर जो है वो आई बी प्लस आई सी होना चाहिए, वो होगा। अब हम लोग ये बात यहाँ बताते हैं कि जो हमने बेस एमिटर जंक्शन को जब फॉरवर्ड बायस किया और कलेक्टर बेस जंक्शन को हमने किया रिवर्स बायस, तो ऐसा करने पर जो करंट यहाँ पे फ्लो होती हैं उसमें जो बेस करंट है वो कलेक्टर करंट और एमिटर करंट से बहुत छोटी होती है, और कलेक्टर करंट जो है वो बेस करंट से थोड़ी सी, एमिटर करंट से थोड़ी सी छोटी होगी। इस टाइप से बात समझ सकते हैं, फॉर एग्जांपल कि जैसे यहाँ पे करंट है 1 एम्पियर, ये करंट है 0.99 एम्पियर, तो ये करंट है 0.01 एम्पियर, फॉर ऐसी बस वैल्यू बता दी मैंने, ठीक है, कि आपने एग्जांपल के तौर पर क्या किया, आई ई बराबर क्या ले लिया 1 एम्पियर, आई सी बराबर क्या ले लिया 0.99 एम्पियर, और आई बी क्या हो गया 0.01 एम्पियर, सही है। ये एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिखा है, ऐसा नहीं कि कहीं भी एनपीएन ट्रांजिस्टर बनाओगे ऐसे करोगे तो यही करंटें फ्लो होंगी, इसलिए लिख दिया, ये एग्जाम्पल के तौर पर बताया गया। अच्छा, अब जब हम लोग कहीं पर एनपीएन ट्रांजिस्टर ये बनाते हैं, ठीक है, तो इसके लिए कहीं पर जो भी सर्किट होगा जिसमें इसको कनेक्ट किया जाएगा, तो उसमें इस ट्रांजिस्टर को हमें ऐसे नहीं बनाएंगे, इसका एक स्पेशल सिंबल होता है। जैसे डायोड होता है, डायोड पी और एन जंक्शन होता है, तो आप चाहें तो उसको पी और एन रीजन करके दिखा सकते हैं, या फिर उसका जो सिंबल होता है ये ऐसे ट्रायंगल बनाते हैं, आगे डंडा खींच देते हैं, तो उस टाइप से। तो ट्रांजिस्टर का भी कुछ स्पेशल सिंबल है, वो देखते हैं क्या है। तो अगर मेरे पास एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो मैं उसका जो सिंबल है वो कैसे जो है वो बनाऊंगा, वो देखिएगा, ये एमिटर, ये बेस और ये कलेक्टर। देखिए इसका सिंबल ऐसे रहेगा, ये देखिए, ये तीन तार निकले हुए हैं ट्रांजिस्टर से, इधर इधर और इधर। ये जो है ये साइड है बेस की, ये जिधर एरो बनाया वो हो गया एमिटर, और इधर जो है ये हो गया कलेक्टर। ये सिंबल हो गया, सिंबल ऑफ ट्रांजिस्टर, सिंबल ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर। अच्छा, हमने कहा भी ठीक है, ऐसे करके हम ये ध्यान रखेंगे कि कोई भी सर्किट अगर कहीं पे बना हुआ है तो वहाँ पर ट्रांजिस्टर इस तरीके से नहीं, ट्रांजिस्टर इस तरीके से ड्रॉ किया जाता है। अब जैसे आपको ये एनपीएन ट्रांजिस्टर बताया, तो हम लोग तो मेनली एनपीएन ट्रांजिस्टर ही डिस्कस करते हैं, आगे हम लोग जो भी बात करते हैं वो एनपीएन ट्रांजिस्टर को लेके ही करी जाती है। बट एक दूसरा भी ट्रांजिस्टर होता है पीएनपी टाइप, जैसे यहाँ पर 2N के बीच में पी है
ऐसे दो पी के बीच में अगर एन हो तो वो पी एन पी ट्रांजिस्टर हो जाएगा। ठीक है, तो हम सिर्फ एन पी एन की बात करेंगे, बट पी एन पी के बारे में बस हमें ये बता होना चाहिए कि उसका सिंबल जो है वो जैसे ये बनाया है तो उसका सिंबल कैसा होगा। ठीक है, और करंट की डायरेक्शन कैसे होगी वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं फिर पी एन पी ट्रांजिस्टर, और पी एन पी ट्रांजिस्टर का जस्ट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करके वापस हम फिर एन पी एन ट्रांजिस्टर को लेकर ही आगे वर्किंग करने लगते हैं। तो पी एन पी ट्रांजिस्टर पर आइए। ठीक, तो पी एन पी ट्रांजिस्टर में क्या हुआ, यह है पी, ठीक, यहाँ पे हो गया बीच में एन, और इधर क्या हो गया पी, ये पी एन पी ट्रांजिस्टर हो गया। अब इसमें एक तरफ हो गया एमिटर, ये हो गया बेस, और ये हो गया कलेक्टर। काम वही होगा यहाँ पर भी कि जो हमारा एमिटर बेस जंक्शन है उसको हमें फॉरवर्ड बायस करना है, और कलेक्टर बेस जंक्शन को हमें क्या करना है, रिवर्स बायस। ठीक है, तो एमिटर बेस जंक्शन इसको करेंगे फॉरवर्ड बायस, और कलेक्टर बेस जंक्शन को क्या करेंगे हम, रिवर्स बायस। ये देखिए इस टाइप से इस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस कैसे करेंगे वो देखिएगा। ये बैटरी ली, और बैटरी का जो प्लस वाला सिरा है वो पी की तरफ, और माइनस वाला सिरा एन की तरफ। तो आप पी से एन की तरफ यहाँ पर इससे करंट फ्लो कराना चाहते हैं, तो ये हो गया पी, जो एमिटर बेस जंक्शन है वो फॉरवर्ड बायस, और कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस करना है। मतलब आप इस तरीके से वर्किंग करेंगे, ये देखिए ऐसा कनेक्शन कीजिए, दिखाई दे रहा है आप लोगों को, मैंने ये जो पी एन जंक्शन यहाँ पर है इसके अक्रॉस वोल्टेज लगाई, कैसे वोल्टेज लगाई है दिख रहा है, हाई वोल्टेज लगाई है एन पे और लो वोल्टेज लगाई है पी पे। मतलब आप चाहते हैं यहाँ पे करंट ऐसे फ्लो हो तो एन से पी की तरफ, तो इसको हमने क्या कर दिया, रिवर्स बायस। अब वर्किंग यहाँ पर वैसे ही होगी कि जैसे यहाँ फॉरवर्ड बायस कर दिया, तो यहाँ से जो मेजॉरिटी कैरियर है वो बेस में घुसने लगेंगे। यहाँ पर मेजॉरिटी कैरियर कौन है, होल, होल बेस में घुसेंगे, और बेस को क्रॉस करके लगभग लगभग सारे ही होल कलेक्टर में चले जाएंगे। तो होल्स का मेनली फ्लो अब ऐसे करके होगा, होल्स के मेन फ्लो के कारण क्या होगा कि करंट जो है अब ऐसे फ्लो होने लगेगी, इधर की तरफ आएगी एमिटर करंट, इधर निकलेगी कलेक्टर करंट, और इधर से आएगी क्या, सॉरी इधर से निकलेगी क्या, बेस करंट। ये क्या बात हुई, अरे भाई होल्स बहुत सारे चले यहाँ से, 100,000 होल चले यहाँ से, बेस को पार करके 99,000 होल इधर चले गए, 1,000 होल यहाँ रुके, तो वो क्या हुआ, वो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों, फ्री इलेक्ट्रॉनों के साथ रिकॉम्बिनेशन करके यहीं रह गए। तो उसके चलते क्या होता है कि जितनी करंट यहाँ से आएगी उससे कम करंट यहाँ निकलेगी, थोड़ी सी जो डिफरेंस होगा वो करंट इधर से जाएगी। फिर वही बात होगी कि आप इसमें जो आई ई है वो इक्वल टू लिखेंगे आई सी प्लस आई बी, और जो आई बी है वो आई सी और आई ई से बहुत छोटा होगा, और जो IC है वो IE से थोड़ा सा छोटा होगा। वैल्यूज उसी तरीके से समझी जा सकती हैं जैसे यहाँ बताई गई थी कि अगर एमिटर करंट 1 एम्पियर है तो कलेक्टर करंट 0.99 एम्पियर हो गई, तो बेस करंट 0.01 एम्पियर हो गई। अच्छा, अब हम आते हैं PNP ट्रांजिस्टर के सिंबल पर। इसका सिंबल इससे फ़र्क है थोड़ा, NPN ट्रांजिस्टर आपने ऐसे बनाया, PNP ट्रांजिस्टर देखिए कैसे बनाया जाता है। ये हमारे पास पी एन पी ट्रांजिस्टर है, ठीक, और इधर ये है एमिटर, ये है बेस, और ये है कलेक्टर। ठीक, तो मैं क्या करूँगा, देखिएगा हम उसी टाइप से काम करेंगे, ये यहाँ पर खींच लिया बेस हमने, ठीक है, और बेस से इधर और इधर, इधर हो गया कलेक्टर, इधर हो गया एमिटर। बस एक फ़र्क होगा कि जो एरो बनाया जाएगा वो देखिए कैसे बनाया जा रहा है, यहाँ पे एरो जो बनाया गया है वो एमिटर से निकलते हुए की तरफ बनाया गया है, और यहाँ पे जो एरो बनाया गया है वो एमिटर से अंदर घुसते हुए की तरफ बनाया गया है। ये करंट की डायरेक्शन के हिसाब से बनाया जाता है। आप चेक कर सकते हैं कि जो एमिटर है एनपीएन ट्रांजिस्टर में एमिटर से करंट निकल रही है, और पीएनपी ट्रांजिस्टर में एमिटर में करंट घुस रही है। तो अगर यहाँ पर करंट घुसेगी तो इसके जो सिंबल है उसमें भी एरो अंदर घुसते हुए एमिटर से अंदर घुसते हुए दिखाएंगे, और यहाँ पर एमिटर से करंट निकल रही है तो इसका जो सिंबल होगा उसमें एमिटर से करंट निकलने के हिसाब से एरो दिखाया जाएगा। तो ये एरो जो है ये बेसिकली करंट की डायरेक्शन को बताता है कि इस ट्रांजिस्टर में जब हम ये एमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस, कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस करेंगे तो इसमें करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगी।
तो यहाँ से करंट निकलेगी, तो यहाँ से निकलेगी तो इधर से आएगी, इधर से भी आएगी। यहाँ से करंट घुसेगी तो इधर से मेनली निकल जाएगी, थोड़ी सी करंट इधर निकलेगी, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया। तो ये बात हो गई PNP ट्रांजिस्टर की। और हम बस इतनी सी बात याद रखेंगे PNP ट्रांजिस्टर को लेकर कि इसका सिंबल ये है और इसमें करंट की डायरेक्शन ये है, और जो बायसिंग होनी है वो वैसे ही होनी है जैसे यहाँ होनी है। क्या? एमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस, कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस। अब उसके लिए बैटरी आपको कैसे लगानी है वो आप अपने आप डिसाइड कर सकते हो, ठीक है जी। देख लीजिए, इससे उल्टी बैटरियाँ लगी यहाँ पे, यहाँ पे बैटरी इधर ऐसे लगी थी, यहाँ पे पलट दी, यहाँ पे यूं लगी थी, यहाँ पे पलट के लगाई। क्यों? वो NPNPNP का मामला हो गया ना, ठीक है। हम इस चीज़ को याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ट्रांजिस्टर की बायसिंग जब करते हैं तो एमिटर बेस जंक्शन क्या होता है फॉरवर्ड बायस, और कलेक्टर बेस जंक्शन क्या होता है रिवर्स बायस। ये चीज़ यूनिवर्सल है, ये आप चाहे NPN ट्रांजिस्टर की बात करें या PNP ट्रांजिस्टर की बात करें, ये आपको चीज़ें याद रखनी हैं, सही है। तो इतनी चीज़ नोट कर लीजिए, फिर हम लोग ये NPN ट्रांजिस्टर को लेकर आगे बात करते हैं। अब हम जब ट्रांजिस्टर की बायसिंग की बात करते हैं तो हमने ऐसे दिखाया आपको कि भाई दो जंक्शन होते हैं, एक एमिटर बेस और एक कलेक्टर बेस जंक्शन, एक को फॉरवर्ड बायस करना है, एक को रिवर्स बायस करना है। अब ऐसे में बैटरियां कुछ बाहर से आपको कनेक्ट करनी पड़ेंगी, जो कि हमने करके भी दिखाई हैं आपको। अब इन बैटरियों को कनेक्ट करने का एक तरीका तो वो हो सकता है जो मैंने यहाँ पर अभी आपके लिए बनाया था, ठीक है। और भी तरीके हो सकते हैं जिससे हम बैटरियों को कनेक्ट करें, किससे? ट्रांजिस्टर से। और जो एमिटर बेस जंक्शन है उसको फॉरवर्ड बायस, और कलेक्टर बेस जंक्शन को क्या करें रिवर्स बायस। अच्छा, तो तीन प्रकार की कॉन्फ़िगरेशंस या तीन प्रकार के अरेंजमेंट डिस्कस किए जाते हैं बायसिंग करने के लिए, सही है। एक कहलाता है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, एक कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, और एक कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, सही है। तो काम वही करना है, ट्रांजिस्टर की बायसिंग करनी है, मतलब ट्रांजिस्टर को अपने काम के लायक बनाना है। EB जंक्शन को फॉरवर्ड बायस और CB जंक्शन को रिवर्स बायस करना है, लेकिन बैटरियां कनेक्ट करने के जो तरीके हैं वो अलग अलग होते हैं, सही है। तो हम लोग इसके बेसिस पर जो बायसिंग मोड्स हैं ट्रांजिस्टर के वो देखते हैं, ठीक है। तो तीन है यहाँ पर, तो बायसिंग मोड्स यानी बायस करने के तरीके, ठीक है। तो सबसे पहले हम आ गए कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन जो है ये वही है जो मैंने आपके लिए अभी बनाई थी। आपको ध्यान होगा अभी आपकी कॉपी में लिखा हुआ है कि आपने ट्रांजिस्टर लिया और दो बैटरियां लगाई, तो आप चेक करेंगे कि उसमें से एक बैटरी लगी है बेस और एमिटर के बीच में और दूसरी बैटरी लगी है बेस और कलेक्टर के बीच में। तो ऐसा बोला जाता है कि बेस कॉमन है, दोनों जो आपने बैटरियां कनेक्ट करी हैं उनमें बेस क्या है कॉमन, एक में बेस और एमिटर है, एक में बेस और कलेक्टर है, चाहिए। तो मैंने कहा भाई ठीक है, इसको हम लोग इस तरीके से यहाँ पर दिखाएंगे। अब मैं यहाँ पर वो NPN नहीं बना रहा हूँ, सिंबल बना रहा हूँ ट्रांजिस्टर का। ये देखिए, ये ऐसे करके ये हो गया ट्रांजिस्टर का बेस, ठीक। इधर हो गया ट्रांजिस्टर के लिए एमिटर, इधर हो गया कलेक्टर, और NPN ट्रांजिस्टर के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जो एरो बनेगा वो इस तरीके से बनेगा जैसे करंट जो है वो एमिटर से बाहर निकले, चाहिए। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, जो बेस एमिटर जंक्शन है उसको फॉरवर्ड बायस करना है। तो आपने क्या किया, एक बैटरी लेके ऐसे करके यूँ कनेक्ट कर दी। ये देख लीजिए, आपने बेस एमिटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस कर दिया। क्यों? क्योंकि ये कलेक्टर है N, बेस है P, और एमिटर फिर से क्या है N। तो ये PN जंक्शन है, इधर P इधर N। तो आप अगर इसको फॉरवर्ड बायस करना चाहते हैं तो करंट P से N की तरफ फ्लो कराने की कोशिश होगी, तो ऐसे केस में बैटरी ऐसी तो लगाओगे। ये बेस एमिटर जंक्शन हो गया फॉरवर्ड बायस, और कलेक्टर बेस जंक्शन को करना है रिवर्स बायस। तो N इधर है, P इधर है, तो N को रखो हाई पोटेंशियल पर और P को रखो लो पोटेंशियल पर। ये लीजिए, हो गया। N को आपने हाई पोटेंशियल पर किया और P को क्या किया लो पोटेंशियल पर। ये बैटरी इस तरीके से लगा दी, इसको कह दिया ये ट्रांजिस्टर की बायसिंग करने के लिए कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है,
सही है। अच्छा फिर आगे बढ़ते हैं, फिर बात करते हैं दूसरा कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा जी काम वही करना है, एमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस, कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस। बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि ये चीज़ याद रहे हमें, ठीक है। बस अब नाम क्या है, कॉमन एमिटर तो क्लियर हो गया। आप क्या करोगे, कुछ बैटरी लगाओगे, एक बैटरी एमिटर से और बेस के बीच में लगाओगे और दूसरी एमिटर और कलेक्टर के बीच में। एमिटर क्या होगा, कॉमन उनके बीच में। दो बैटरियां लेंगी, दोनों ही एमिटर से चलेंगी, एक जाएगी बेस को और दूसरी कहाँ जाएगी, कलेक्टर को। नाम से ही क्लियर हो गया। तो हमने कहा बस ठीक, इसका डायग्राम ही तो बनाना है, लो अभी बना देते हैं। तो हमने ये बनाया आपके लिए ट्रांजिस्टर, और ट्रांजिस्टर का ये साइड हो गया बेस, ये हो गया एमिटर, और ये क्या हो गया, कलेक्टर। लिख दो अपनी सहूलियत के लिए, इधर N, इधर P और इधर क्या N। चाहिए हालांकि कहीं पे आप सर्किट बनाओगे तो उसमें बस एमिटर बेस कलेक्टर लिखा जाता है, ये एन पी एन नहीं लिखा जाता। ये तो हमने अपनी समझ के लिए बनाया सो दैट हमें अभी याद है, हाँ यार इधर पी था इधर एन था। चाहिए तो बायसिंग के लिए हम लोग फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस में बैटरी की जो पोलैरिटी है उसको लेकर कन्फ्यूज नहीं होंगे, गलती नहीं करेंगे, इसलिए हमने लिख दिया है। तो अब क्या करें, अब एक एमिटर से लो और यहाँ पर लगाओ एक बैटरी ऐसे पी साइड पर हाई पोटेंशियल के साथ, और ये आपने क्या किया, एमिटर बेस जंक्शन को क्या कर दिया, फॉरवर्ड बायस। देख लीजिए पी साइड को आपने हाई पोटेंशियल पे करने की कोशिश करी और एन को लो पे, मतलब आप यूं करंट फ्लो कराना चाहते हो, ठीक है। तो बेस एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो गया। कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस करना होता है। हमने कहा हम कलेक्टर और बेस के बीच में तो बैटरी लगा नहीं रहे, अब हमें बैटरी कहाँ लगानी है, दूसरी कलेक्टर और एमिटर के बीच में, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक बैटरी ली और इधर जो है कनेक्ट कर दी। चाहिए ये स्टेप से आपने ये देखो मैं इसमें जो बैटरी बना रहा हूँ वो मैं थोड़ा डबल करके बना रहा हूँ। डबल करके से ये मतलब है उसका कि यहाँ जो वोल्टेज होगी वो इससे ज़्यादा होगी, समझे। ये वोल्टेज कम होगी, ये वोल्टेज ज़्यादा होगी। अगर आप यहाँ ज़्यादा वोल्टेज ले लेंगे तो अपने आप कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस हो जाएगा। हालांकि आपने कलेक्टर और बेस को डायरेक्टली नहीं कनेक्ट किया है, बट अगर आप पोटेंशियल देखेंगे तो उस मामले में ये एन साइड हाई पोटेंशियल पे मिलेगी और पी साइड लो पोटेंशियल पे मिलेगी। तो उसके चलते हम कहेंगे कि ये रिवर्स बायस है। कैसे, वो देखिए कुछ वैल्यू लेते हैं उससे बात क्लियर हो जाएगी। मान लो इधर तुमने जो बैटरी लगाई वो 5 वोल्ट की लगाई और इधर जो बैटरी लगाई वो 10 वोल्ट की लगाई। चाहिए अब मान लो यहाँ का पोटेंशियल है 0, तो इधर से ये 5 वोल्ट, तो यहाँ का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 5, और ये 10 है तो यहाँ का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 10। अब आप चेक कर लीजिए एन साइड हाई पोटेंशियल पर है और पी साइड लो पोटेंशियल पर है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कलेक्टर बेस जंक्शन है वो रिवर्स बायस है। अरे बात नहीं समझ में आ रही आप लोगों के, भाई ये पीएन जंक्शन है ना एक बेस और कलेक्टर का, तुम उसमें एन साइड पे हाई पोटेंशियल लगा रहे हो इस बैटरी के कारण 10 वोल्ट की बैटरी के चलते, और इधर जो है वो आप 5 वोल्ट की बैटरी के चलते 5 वोल्ट ही लगा रहे हो। तो एन साइड हाई पोटेंशियल पर है और पी साइड लो पोटेंशियल पर है, तो यही तो रिवर्स बायस होता है। फॉरवर्ड बायस मतलब पी को हाई पे रखो और एन को लो पोटेंशियल पे रखो सो दैट आप चाहे करंट पी से एन फ्लो, और रिवर्स बायस का मतलब होता है कि एन को हाई वोल्टेज पर रखिए और पी को लो पोटेंशियल पर रखिए। इससे क्या होगा कि आप चाहते हैं कि करंट एन से पी फ्लो हो, तो ये क्या हो जाए, रिवर्स बायस। अब कोई अगर इसको लेके वो डायोड वाली पूरी पूरी बात करने लगे तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि ये डायोड नहीं है, ये आपका ट्रांजिस्टर है, ये अलग तरीके से काम करता है, ठीक है। लेकिन जो पीएन जंक्शन हमें तो दिखाई देते हैं उनको फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस करने के लिए हम लोग जो है वही चीज़ देखेंगे कि पी साइड हाई पोटेंशियल पर और एन साइड लो पोटेंशियल पर। तो ये कहलाती है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, शॉर्ट में सीई कॉन्फ़िगरेशन भी बोलते हैं, ठीक है, इसको सीबी बोल देते हैं। हमारे काम की यही कॉन्फ़िगरेशन है। आप आगे जो भी चीज़ें पढ़ेंगे वो मोस्टली सारी की सारी चीज़ें कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में ही पढ़ते हैं, समझे। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए, बट ये लोग ये कॉन्फ़िगरेशन हम लोग आमतौर पर इस्तेमाल नहीं करते हैं, हमारे काम यही वाली आती है।
अब तीसरी कॉन्फ़िगरेशन, नाम सबको अपने आप समझ में आ गया होगा, तीसरी क्या होगी? कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, बिल्कुल सही, कॉमन कलेक्टर। उसमें क्या होगा, कलेक्टर से आप कनेक्ट करोगे बेस को और कलेक्टर से ही कनेक्ट करोगे किसको, एमिटर को, सही है, उससे हमारी वर्किंग हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है भाई वही बना देते हैं। फिर बोल रहा हूँ ये सिर्फ ये वाली कॉन्फ़िगरेशन यही मेरे काम की है, ये वाली और तीसरी वाली हमारे काम की नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए कि हाँ यार ऐसे कनेक्ट कर देंगे तो ये सीबी हो गया, ये सीसी हो गया और ये सीई है, ठीक है। चलो भाई तो आते हैं कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन पर। ये लीजिए कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन सीसी, ठीक। देखो भाई ये आपने ले लिया ट्रांजिस्टर, ठीक है, इधर है बेस, इधर है कलेक्टर, इधर है एमिटर, सही है, और एनपीएन भी लिख दो अपना समझदारी के लिए, इधर एन, इधर पी और इधर क्या एन, सही है। अब आपको क्या करना है कि आपको ये जो कलेक्टर बेस जंक्शन है, कलेक्टर से तार खींच के बेस पे जाओ और कलेक्टर से ही कहाँ जाओगे, एमिटर पर। तो क्या करोगे, पहले कलेक्टर बेस और इधर कलेक्टर एमिटर, तो पहले कलेक्टर बेस की बात करो सीधे, इसको क्या करना है तुम्हें, रिवर्स बायस। तो रिवर्स बायस करने के लिए पी साइड पे क्या होगा, लो पोटेंशियल, और एन साइड पे क्या होगा, हाई पोटेंशियल। तो आप अपनी बैटरी कैसे लगाओगे, ऐसे, बताओ सही लगाई नहीं लगाई। कलेक्टर बेस जंक्शन तुम्हारा रिवर्स बायस हो गया कि नहीं, इधर नेगेटिव साइड, ये लो पोटेंशियल पी पे लगा दिया, हाई पोटेंशियल एन पे लगा दिया। अब आपको आना है बेस एमिटर जंक्शन को करना है आपको फॉरवर्ड बायस, बेस एमिटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करना है, ओके। मैंने कहा इसके लिए देखो कैसे जो है हम कलेक्टर और एमिटर के बीच में कनेक्शन करेंगे, लीजिए इस तरह से आपने क्या किया, वो वहाँ पे वोल्टेज थोड़ी ज़्यादा दिखा दी, वहाँ वोल्टेज ज़्यादा, मतलब दो बैटरी दिखा दी, मतलब ज़्यादा वोल्टेज है। आप वैल्यू लेके बात समझ सकते हैं, मान लो ये 5 वोल्ट की बैटरी है और ये 10 वोल्ट की बैटरी है, सही। अब सपोज यहाँ का पोटेंशियल है 0, अगर यहाँ का 0 है तो यहाँ का क्या हो गया, 10, सही है, 10 वोल्ट इस बैटरी के कारण, सही है। यहाँ से आपका अगर ये 10 वोल्ट की बैटरी लगाओगे तो इधर हाई पोटेंशियल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सही है, कितना हो जाएगा, हमने मोटे तौर पे 10 मान लिया। कोई ऐसा कह सकता है सर वो करंट वगैरह भी तो फ्लो हो रही होगी, हाँ हो रही होगी, ठीक है, बट हम जो है वो क्या कर रहे हैं, हम मोटे तौर पे अभी ये मान रहे हैं कि मान लो अभी करंट ना फ्लो हो रही हो, तो इन दैट केस जो है हमको क्लियर हो जाए कि भाई कौन सी चीज़ साइड हाई पोटेंशियल पे, कौन सी साइड लो पोटेंशियल पे, सो दैट फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस का कन्फर्मेशन हो जाए। बाकी यहाँ 10 वोल्ट आता है या कल को करंट फ्लो होने के बाद 8 ही वोल्ट आता है, उससे हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता, सही है, हम सिर्फ मोटे तौर पर फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस की बात करना चाह रहे हैं। करंट फ्लो होगी, ये 10 की जगह 8 वोल्ट ही मिलेगा, तो कोई बात नहीं यार, फॉरवर्ड बायस रहेगा तो फॉरवर्ड बायस ही ना, चाहिए। चलो खैर अब आ जाओ यहाँ पर, ये 5 वोल्ट की बैटरी है, अगर तुम 5 वोल्ट की बैटरी लगाते हो तो इधर से इधर आने पर पोटेंशियल 5 वोल्ट कम हो जाना चाहिए, तो यहाँ अगर 10 वोल्ट तो इधर आओगे तो कितना मिलेगा, 5 वोल्ट। अब आप चेक करिए कि क्या जो है जो दोनों काम आपके हैं, बेस एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस हुआ कि नहीं, पी साइड हाई पोटेंशियल पर और एन साइड लो पोटेंशियल पर हो गया बेस एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस, और उधर जो है वो कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस है, वो हम पहले ही आपको समझा चुके, समझे। तो इस तरीके से हम लोग ये तीन कॉन्फ़िगरेशंस की बात करते हैं, और जैसे मैंने कहा कि हम लोग अपनी वर्किंग के लिए कौन सी कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करेंगे, सीई कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, तो सीई कॉन्फ़िगरेशन विल बी यूज्ड, ठीक है, हम लोग आगे के लिए कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करेंगे, लेकिन कहीं पर अगर सर्किट ऐसे बना दिया जाए और ऐसे बना दिया जाए तो हम कहेंगे नहीं भाई ऐसा, हम तो ये जानते हैं ये क्या है और वो क्या है, तो हमें पता होना चाहिए कि यार ये भी बायसिंग का एक तरीका है, सही है। चलो तो ये बना लो तीनों, फिर उसके बाद आगे देखते हैं, लिख लीजिए सही से। अब हम जब ये ट्रांजिस्टर जो है उसको प्रॉपरली बायस कर देते हैं, क्या
वही कॉमन एमिटर जंक्शन, सॉरी जो आपका एमिटर बेस जंक्शन है वो फॉरवर्ड बायस और कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस, ये कर देते हैं। तो अब इस मोड में जब ट्रांजिस्टर काम कर रहा होता है, ठीक है, कुछ करंट वगैरह फ्लो हो रही होती हैं, तो हम क्या कहते हैं कि ट्रांजिस्टर के अक्रॉस जो भी वोल्टेजेस हमने लगाए, हम उसको कुछ बदलते हैं, इधर उधर जो भी बैटरी लगा रखी है हमने उसमें थोड़ा बहुत चेंज कर दें, ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत चेंज किया, तो उससे जो करंट फ्लो हो रही होती हैं IC IB, ठीक है, उनमें भी कुछ चेंजेस होते हैं। तो वोल्टेजेस को थोड़ा बहुत बदलने से करंट में भी थोड़ा बहुत वेरिएशन आता है, चाहिए। तो ऐसे में हम लोग कुछ क्वांटिटीज़ जो है वो डिफाइन करते हैं, चाहिए, और कुछ जो है ग्राफ भी बनाए जाते हैं जो कि किसी एक क्वांटिटी को वैरी करने पर, जैसे जनरली किसी वोल्टेज को वैरी करने पर करंट पर क्या असर पड़ता है, ठीक है, उसके लिए होंगे, चाहिए। तो पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने वो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में ट्रांजिस्टर को ज़रा ड्रॉ किया एक बार फिर से। ये देखिए, ये आपने ट्रांजिस्टर बना दिया है, ये कौन है बेस, ये कौन है एमिटर, और ये कौन है कलेक्टर, सही है। और यहाँ पर आपने ट्रांजिस्टर की बायसिंग करने के लिए ये वोल्टेज लगा दी है, ठीक, कुछ लिख दिया आपने VBB, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिख दिया RB, और ये कुछ मैंने यहाँ पर ऐसे एरो बना दिए। एरो बनाने का ये मतलब है कि ये जो वोल्टेज है ये हमारी वेरिएबल है, हम अपने हिसाब से इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। 5 वोल्ट लगा दें, 5.1 वोल्ट कर दें, 4.9 वोल्ट कर दें, 4.8 वोल्ट कर दें, इस टाइप से। ये नहीं कि ये 5 वोल्ट का -5 कर दें, ऐसे करने पर तो वो बायसिंग ही ख़राब हो जाएगी ना सिस्टम पूरा। तो बायसिंग जो है वो तो मेंटेन करनी करनी है, उसको मेंटेन करते हुए थोड़ा बहुत आपने क्या किया, इसकी वोल्टेज को चेंज किया। अच्छा, इधर क्या हुआ, इधर यहाँ पर RC ये आपने लगा दिया, VCC, ठीक है, कुछ हम इसको भी मान लीजिए चेंज कर सकते हैं। करंट तो आप लोग जानते ही हैं, यहाँ पे करंट क्या फ्लो होगी, IE, इधर से करंट कौन आएगी, IB, और यहाँ से कौन सी करंट फ्लो होगी, IC, सही है। एमिटर से करंट निकलते हुए बनाओगे तो कलेक्टर से घुसते हुए और एमिटर से निकलते हुए, इधर से ज़्यादा करंट निकलेगी, इधर से थोड़ी कम निकलेगी, बाकी इधर से पूरा होगा। ये करंट 1 एम्पियर, ये 0.99 एम्पियर, ये 0.01 एम्पियर, इस टाइप से। अब क्या हुआ, अब हमने यहाँ पर जो ये करंट है इसको मीजर करने के लिए यहाँ पे अपनी कुछ वो लगा दिया, क्या लगा दिया, अमीटर लगा दिया, ऐसा अमीटर लगा दिया जो बहुत छोटी करंटों को भी मीजर कर सके, क्योंकि बेस करंट आमतौर पर काफ़ी छोटी होगी, चाहिए। और इधर जो है वो आपने क्या किया, इधर आपने यहाँ पर कलेक्टर करंट को नापने के लिए यहाँ पर कोई अमीटर लगा दिया, सही है। ये अमीटर भी क्या करेगा, यहाँ जो IC है उसको मीजर करके हमें देगा। इधर यहाँ पर बेस और अमीटर के बीच में जो वोल्टेज है उसको हमने लिख दिया VBE, इसको मीजर करने के लिए आप यहाँ पे एक वोल्टेज वोल्ट मीटर लगा सकते हैं, ये अमीटर लगा दिया, ये अमीटर लगा दिया, ठीक है, और ये क्या लगा दिया, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का ही लगाया ताकि आप VBE को नाप सकें, ये किसको नाप कर देगा, IB को, ये किसको मीजर करके देगा, VBE को, ये किसको मीजर करके देगा, IC को, और एक आपने क्या किया, C और E के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस लिखा VCE, और इसको मीजर करने के लिए यहाँ पर एक वोल्ट मीटर जो है वो लगा दिया, सही है। ये देखिए, ये आपने एक वोल्ट मीटर लगा दिया जो हमको VCE मीजर करके देगा। तो देखिए, ये वो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपके सामने बनाई थी, और इस कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में मैंने कुछ एक्स्ट्रा काम किए, क्या, एक तो मैंने जो वोल्टेजेस हैं ये दिखा दी कि ये वेरिएबल कर दी हमने, तो हम अपने हिसाब से इनको घटा बढ़ा सकते हैं, सो दैट यहाँ जो करंट है उन पर कुछ असर डाला जा सके, उनको चेंज किया जा सके, ठीक है। हाँ, बायसिंग वो मेंटेन रहनी चाहिए, ठीक है, VBB और VCC कैन बी वेरीड, बिल्कुल इनको वेरी कराएंगे, ठीक है। और जो बायसिंग टू बी मेंटेन्ड, इनको बैरी कराना, लेकिन ये नहीं कि ट्रांजिस्टर की बायसिंग ही गड़बड़ कर दो तुम, ठीक है। बायसिंग का मतलब क्या हो गया, फिर से लिख रहा हूँ, बेस एमिटर जंक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड बायस, और कलेक्टर बेस जंक्शन क्या होगा, रिवर्स बायस, समझ गए नहीं समझ गए, ठीक है।
तो ऐसे हम लोग जो है वो वर्किंग यहाँ पर करेंगे। अब क्या हुआ, अब ये जो करंट हैं, ठीक है, वोल्टेजेज हैं, इनमें जो है वो कुछ बदलाव होते हैं, चेंजेज होते हैं, हम कर रहे हैं, हम क्या बदल सकते हैं, हम वोल्टेज बदल सकते हैं, उससे करंट पर असर पड़ रहा है। तो आप कुछ चीज़ें डिपेंड करते हो, क्या एक चीज़ डिपेंड करते हो आप, इनपुट रेजिस्टेंस RI। ये क्या हुआ भाई, आप जो है क्या करते हो कि ट्रांजिस्टर जो है इसके साथ जब आगे वर्किंग करोगे, ठीक है, तो मैंने आपको ट्रांजिस्टर का एक यूज़ बताया हुआ है कि ट्रांजिस्टर को हम एम्पलीफायर की तरीके से यूज़ करेंगे कल को। एम्पलीफायर कौन, जो AC सिग्नल की फ्रिक्वेंसी तो वही रखेगा, उसके एम्पलीट्यूड को बढ़ाएगा। तो उसमें होता यह है कि वो जो आप AC सिग्नल जिसको एम्पलीफाई करना है, उस AC सिग्नल को ट्रांजिस्टर के बेस में जो है वो फीड करते हो या यहाँ कनेक्ट करते हो, और जो आउटपुट सिग्नल बड़े बड़े एम्पलीट्यूड वाला AC सिग्नल मिलेगा वो आपको कलेक्टर की साइड पे जाके मिलता है। तो इसलिए एक बड़ी पुरानी कन्वेंशन है कि आप ट्रांजिस्टर का जो बेस है उसे कहते हो ट्रांजिस्टर की इनपुट साइड, और जो कलेक्टर है उसको कहते हो आउटपुट साइड। क्यों, क्योंकि कल को जब मैं ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करके क्या बनाऊंगा, एम्पलीफायर बनाऊंगा, तो जो छोटे एम्पलीट्यूड वाला AC सिग्नल है उसको कहाँ फीड करूंगा, बेस में, और उस छोटे एम्पलीट्यूड वाले से ट्रांजिस्टर बड़े एम्पलीट्यूड वाला AC सिग्नल बनाएगा, वो हमें कहाँ मिलेगा, कलेक्टर पे। तो ट्रांजिस्टर की जो बेस वाली साइड है, ये मैं लिखता हूँ यहाँ पर, कि जो ट्रांजिस्टर की बेस है वो कहलाती है ट्रांजिस्टर की इनपुट साइड, और कलेक्टर जो है वो कहलाता है क्या, आउटपुट साइड। अच्छा चलो भाई ठीक है, तो हमने कहा ठीक, सबसे पहले एक हम इनपुट रेजिस्टेंस नाम की चीज़ जो है वो डिफाइन करते हैं। क्या है भाई इनपुट रेजिस्टेंस, इनपुट रेजिस्टेंस RI, देखिएगा RI बराबर डेल्टा VBE बटे डेल्टा IB। आप ट्रांजिस्टर के बेस एमिटर जो वोल्टेज है इसमें आप देखिए, जैसे ये VBB वेरी कराया, तो आप क्या कर देखोगे कि यहाँ जो वोल्टेज है इसमें कितना चेंज हुआ, और इसमें जो चेंज है वो देखिए, और जो बेस करंट में चेंज है वो देखिए, डिवाइड करिए, जो चीज आपको मिलेगी वो क्या कहलाएगी, ट्रांजिस्टर की इनपुट रेजिस्टेंस। और जब ये आप काम करोगे, इधर वोल्टेज को वेरी कराओगे, यहाँ पे जो करंट है उसमें चेंज है वो देखोगे, और ये रेशियो निकालोगे, तो इस दौरान आपको क्या करना है, जो आउटपुट साइड है कलेक्टर वाली साइड, तो वहाँ पर जो VCE है उसको कांस्टेंट मेंटेन करते हुए काम करना होता है। आपको यहाँ वोल्टेज बदलनी है, यहाँ वोल्टेज बदलेगी, ये करंट वेरी करेगी, तो इसमें फ्लक्चुएशन देखना है डेल्टा VB, इसमें फ्लक्चुएशन देखना है डेल्टा IB, उनका रेशियो लेना है। लेकिन साथ ही साथ आउटपुट साइड यानी कलेक्टर साइड पर भी आपको कुछ ऐसा करना है कि ये जो VCE है ये फिक्स मेंटेन रहे। ऐसा नहीं हो कि आप यहाँ पर वोल्टेज बदल रहे हैं और यहाँ भी वोल्टेज बदल रहे हैं फिर RI मीजर कर रहे हैं ना। RI को डिफाइन इस तरीके से किया जाता है। वैसे तो आप वर्किंग कर रहे हो तो आप दोनों चीज़ें बदल सकते हो, इधर जो है VBE है वो भी बदले, VCE वो भी बदले, लेकिन हम RI को डिफाइन इस तरीके से कर रहे हैं। ये ट्रांजिस्टर का इनपुट रेजिस्टेंस कहलाता है। चाहिए, अच्छा फिर हमने कहा भाई ऐसा कोई और भी क्वांटिटी है, हाँ बिल्कुल है, तो आप एक काम कर लो, इसको नोट कर लो, फिर हम और क्वांटिटीज़ के बारे में जो बात करनी है वो कर लेंगे। अच्छा तो हम लोगों ने ट्रांजिस्टर के इनपुट रेजिस्टेंस के बारे में बताया था कि जो ट्रांजिस्टर की बेस वाली साइड होती है उसे इनपुट साइड कहते हैं, तो उधर की तरफ जो है जो वोल्टेज है उसमें अगर कुछ चेंज किया जाए और जो करंट है उसमें चेंज हो तो उनके रेशियो को इनपुट रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम लोग ट्रांजिस्टर को लेकर आउटपुट रेजिस्टेंस की बात करते हैं। आउटपुट रेजिस्टेंस जो है ये साइड हो गई, आउटपुट साइड होती है कलेक्टर वाली साइड,
बेस वाली साइड कहलाती है इनपुट वाली साइड और कलेक्टर वाली साइड आउटपुट वाली साइड। तो हम क्या करेंगे, कलेक्टर वाली साइड पर जो वोल्टेज है उसको बदलते हैं और कलेक्टर वाली साइड पर जो करंट है उसमें जो है चेंज देखते हैं, और उनका जो रेशियो है वो हमारा आउटपुट रेजिस्टेंस कहलाता है। और जब ये रेशियो हम लेते हैं तो हम आईबी को फिक्स मेंटेन करते हुए ये काम करेंगे। इनपुट जो बेस वाली साइड है, इनपुट साइड उधर की तरफ हम जो बेस करंट है उसको फिक्स रखते हुए आउटपुट साइड पर वोल्टेज चेंज करेंगे, उससे करंट में जो चेंज होगा उसका रेशियो, उसको कहते हैं आउटपुट रेजिस्टेंस। ठीक है, फिर करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर। अच्छा, इसको हम लिखते हैं बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और करंट एम्पलीफिकेशन तो इसमें होता क्या है कि जो ट्रांजिस्टर है उसके बेस की साइड पे जो करंट होती है वो होती है आईबी, और कलेक्टर साइड पे करंट होती है आईसी। तो हम क्या करते हैं, जो बेस करंट है उसमें कुछ चेंज करते हैं और उससे कलेक्टर करंट में क्या चेंज होता है वो देखते हैं। तो उनका जो रेशियो है उसको हम कहते हैं करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर, बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर हम डिफाइन करते हैं कि बीटा एसी कलेक्टर करंट में चेंज और बेस करंट में चेंज, इनका जो रेशियो है उसको हम करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर लिखेंगे। और बीटा एसी, ये बीटा एसी क्यों लिखा है वो अभी क्लियर हो जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, हम एक दूसरी चीज़ भी डिफाइन करेंगे, बीटा डीसी। जो कलेक्टर करंट है और बेस करंट है इनका रेशियो अगर किसी समय लिया जाए तो उसको कहते हैं डीसी। और अगर हम चेंजेस की बात कर रहे हैं, बेस करंट में कुछ चेंज कर रहे हैं, कलेक्टर करंट में कुछ चेंज कर रहे हैं, तो वो जो रेशियो है वो कहलाता है एसी। तो चेंजेस जहाँ पर हैं वहाँ एसी, फिक्स वैल्यू जहाँ की बात हो रही है तो वहाँ डीसी। आमतौर पर हम ट्रांजिस्टर के लिए बात करते हैं, वर्किंग करते हैं, तो बीटा एसी और बीटा डीसी ऑलमोस्ट बराबर होते हैं। तो ऐसे में होता क्या है कि हम बीटा एसी और बीटा डीसी इन दोनों को ही हम लोग सिर्फ और सिर्फ बीटा से ही रिप्रेजेंट कर देते हैं। आमतौर पर ऐसा ही होता है। तो कहीं पर अगर कोई ट्रांजिस्टर है तो उसके लिए बीटा की वैल्यू दे दी, मान लीजिए 100। अब अगर बीटा 100 दे दिया है तो आपको अगर डीसी वाले बीटा की ज़रूरत पड़े तो भी 100 ले लेंगे, और एसी वाले बीटा की ज़रूरत पड़े तो भी 100 ही ले लिया जाएगा। ये करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर हो गया, सही है। और जब हम ये करंट में चेंज, बेस करंट में, कलेक्टर करंट में चेंज देखते हैं, इनका रेशियो लेते हैं, तो अपना जो सीई वीसीई है उसको फिक्स रखते हुए वर्किंग करते हैं। तो तीन चीज़ें बताई गई, एक इनपुट रेजिस्टेंस, एक आउटपुट रेजिस्टेंस और एक करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर। अच्छा, ये ट्रांजिस्टर के लिए हमने कुछ क्वांटिटीज़ जो है अपनी डिफाइन कर दी हैं, सही है। अब जैसे यहाँ पर हमने ये बीटा लिखा, ऐसी एक चीज़ और होती है अल्फ़ा, ठीक है, एक अल्फ़ा करके फैक्टर होता है, ठीक है। तो वो ध्यान देते हैं कि जैसे मैंने ट्रांजिस्टर बनाया ये, और ट्रांजिस्टर में ये बेस वाली साइड इधर करंट आई बी, कलेक्टर वाली साइड करंट आई सी, और इधर की तरफ करंट क्या आई ई, सही है। तो आप क्या कहते हो कि आई सी और आई ई, इनके बारे में आपको ये पता होता है कि ये वाली करंट इस करंट से बहुत ज़रा सी छोटी होती है, ठीक, ये करंट इससे बहुत ज़रा सी छोटी होती, बहुत ज़रा सी कम होगी। तो हम इन दोनों का जो रेशियो है उसको अल्फ़ा से रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फ़ा बराबर आई सी अपान आई ई। ये आई सी और आई ई का रेशियो जो है वो अल्फ़ा कहलाएगा, और ये जो अल्फ़ा है इसकी वैल्यू 1 से थोड़ी सी छोटी होगी, क्योंकि आई सी आई ई से बहुत ज़रा सा कम है। ये करंट मान लो 2 एम्पियर, ये 1.99 एम्पियर, तो जो रेशियो है 1 से ज़रा सा छोटा होगा। तो अल्फ़ा Slightly smaller than 1। अच्छा, अब अल्फा और बीटा जो ये दो चीज़ें यहाँ पर हैं, इनको लेकर कुछ हम लोग इनका रिलेशन जो है वो भी लिखते हैं, वो देखिएगा। ऐसा हुआ आई ई बराबर होता है आई सी प्लस आई बी, ये क्या है, ये आपका है जंक्शन लॉ, इधर से और इधर से जो करंट आएगी वो मिलके इधर जाने वाली करंट के सम के बराबर होगी। अब आपने एक चीज़ यहाँ पर डिफाइन करी है बीटा, बीटा क्या आई सी अपान आई बी, और यहाँ पर क्या लिखा है आई सी अपान आई ई, ठीक है, ये हो गया अल्फा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें एक काम करते हैं, इसमें हम आई सी से डिवाइड कर देते हैं, तो आई ई अपान आई सी इज इक्वल टू 1 प्लस आई बी अपान आई सी।
अब देखिए ये जो चीज है आई ई बाई आई सी, ये हो जाएगी वन अपान अल्फा, ये है वन, और प्लस आई बी बाई आई सी, यहां से देखिए ये क्या हो जाएगा वन अपान बीटा। तो अल्फा और बीटा के बीच में स्टेप्स रिलेशन लिखा जा सकता है। अगर मैं अल्फा एक तरफ और बीटा को दूसरी तरफ करूं तो ऐसे लिख सकता हूं अल्फा बराबर बीटा अपान बीटा प्लस वन, और अगर आप बीटा को एक तरफ कर लें अल्फा को दूसरी साइड कर लें तो ऐसे वन अपान बीटा बराबर वन अपान अल्फा माइनस वन। तो यहां से बीटा की वैल्यू होती है अल्फा अपान वन माइनस अल्फा, ठीक है। जो अल्फा है बीटा है इनकी वैल्यू जिसमें लिखा अल्फा स्लाइटली स्मॉलर देन वन, सॉरी वन तो लिख नहीं रह गया वन, और बीटा जो है ये काफ़ी बड़ा होता है 50-100 के लगभग होता है। बीटा की वैल्यू बताए थे कि बीटा लगभग आपका 50-100 के बीच में, ठीक है इस टाइप से। अब बीटा की वैल्यू क्या होगी अल्फा की वैल्यू क्या होगी ये तो आपके ट्रांजिस्टर के ऊपर डिपेंड करता है। अलग अलग प्रकार के ट्रांजिस्टर बनाए जा सकते हैं उनके लिए बीटा अल्फा की वैल्यू अलग अलग हो सकती हैं। जैसे आप बीटा बराबर 100 ले लें, चाहिए मान लीजिए किसी ने बीटा बराबर या अल्फा बराबर ले लो सपोज मान लीजिए 0.99, तो अल्फा अगर 0.99 लोगे तो बीटा क्या हो जाएगा 99, चाहिए। तो इस टाइप से हम लोग अल्फा और बीटा जो है उनकी वैल्यूज आपस में रिलेशन देख सकते हैं। तो इतनी चीज जरा नोट कर लीजिए फिर आगे देखते हैं। फिर हम लोग ट्रांजिस्टर के बारे में बात करते हैं और इसके लिए इनपुट करेक्टरिस्टिक्स इसकी कुछ डिफाइन करी जाती है और कुछ आउटपुट करेक्टरिस्टिक नाम की चीज़ डिफाइन करी जाती है। करेक्टरिस्टिक मतलब बिहेवियर, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर की इनपुट साइड पे अगर हम कुछ चेंजेस कर रहे होंगे तो वहाँ पर ट्रांजिस्टर का क्या बिहेवियर रहेगा, ऑब्वियसली करंट और वोल्टेज को लेकर बिहेवियर की आप बात करेंगे, सही है। तो ट्रांजिस्टर की इनपुट साइड पर करंट और वोल्टेजेस में कुछ चेंजेस कर रहे होंगे तो उसको लेके हम लोग अगर कुछ वर्किंग करते हैं ट्रांजिस्टर का बिहेवियर देखते हैं तो हम कहते हैं ये ट्रांजिस्टर की इनपुट करेक्टरिस्टिक्स हैं। इसी प्रकार से आउटपुट साइड यानी कलेक्टर साइड, इनपुट साइड कौन सी होती है बेस वाली, आउटपुट साइड कौन सी कलेक्टर वाली। तो कलेक्टर साइड पे अगर हम कुछ चेंजेस कर रहे हैं वोल्टेज और करंट को लेके और ट्रांजिस्टर का बिहेवियर देख रहे हैं तो हम कहते हैं ट्रांजिस्टर की आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। तो इनपुट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर, ये हमने क्या किया ट्रांजिस्टर जो है उसके लिए ग्राफ बनाया आई बी और वी बी ई के बीच में, ठीक है। वी बी बेस एमिटर के बीच में जो वोल्टेज है उसको हम लोग चेंज करेंगे और आई बी जो है उस पर असर देखेंगे। तो हमने बताया कि वी बी की वैल्यू यहाँ वोल्ट में ली गई और आई बी की वैल्यू आपने ले ली कुछ माइक्रो एम्पियर में। तो इस टाइप से आपको कुछ ग्राफ देखने को मिलेगा कि अगर हम वी बी की वैल्यू जो है वो बढ़ाते हैं तो आई बी की वैल्यू शुरुआत में लगभग जीरो रहती है और फिर जब वी बी थोड़ा ठीक ठाक बड़ा होता है से 0.6 वोल्ट के लगभग पहुंचता है तब जो है वो आई बी यहाँ पर फ्लो करना शुरू करता है और थोड़ी जब हम वी बी की वैल्यू बढ़ाते हैं तो क्या देखते हैं कि वी बी की वैल्यू जो है वो 0.6 से कुछ 0.8 के बीच में यहाँ पर सेटल हो गई और आई बी की वैल्यू जो है वो बढ़ती चली जा रही है। और ये जो आपने ग्राफ खींचा ये आउटपुट साइड पर एक फिक्स्ड कॉमन एमिटर वोल्टेज लेके किया। वी सी ई की वैल्यू मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने ले ली 10 वोल्ट, तो वी सी ई अगर 10 वोल्ट ले लिया फिक्स रख लिया और वी बी ई को बदला तो आई बी ऐसे वेरी करेगा। ये इस टाइप की सिचुएशन हो गई जैसे कोई डायोड का मामला होता है। होता क्या है कि ट्रांजिस्टर का जो ऑपरेशन है वो स्टार्ट होता है जब आप बेस एमिटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करते हो तब जो है वो काम शुरू होता है। अब बेस एमिटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करना और खूब सारे
जो चार्ज कैरियर्स हैं उनका फ्लो होना, तो वो तभी होता है जब एक सर्टेन मिनिमम फॉरवर्ड बायस आप लगाएं। जैसे डायोड में ही होता है, ऐसा नहीं कि जरा सा ही फॉरवर्ड बायस लगा दिया तो डायोड जो है खूब बड़ी करंट फ्लो कराने लगेगा, नहीं, एक कुछ मिनिमम 0.6-0.7 वोल्ट के लगभग आपको लगाना पड़ता है, तब जाके डायोड प्रॉपरली फॉरवर्ड बायस होता है। सेम वही चीज़ है कि ट्रांजिस्टर की वर्किंग जो है वो शुरू होने के लिए वीबीई की वैल्यू जो है एटलीस्ट 0.6 वोल्ट तक आई, तब जो है वो ट्रांजिस्टर में कुछ करंट का फ्लो स्टार्ट हुआ। तो इस टाइप से ये करंट यहाँ पर शो करी गई। ये कुछ ऐसे ले लिया हमने यहाँ पर 20 माइक्रो एम्पियर, 40 माइक्रो एम्पियर, 60 माइक्रो एम्पियर, 80 माइक्रो एम्पियर, 100 माइक्रो एम्पियर, ऐसे, ठीक है। और जो बेस करंट है ये आमतौर पर बहुत छोटी रहती है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं माइक्रो एम्पियर में बेस करंट की वैल्यू रहेगी। अच्छा, अब ये जो बात मैंने कही ये कहलाती है कि इस टाइप का जो ट्रांजिस्टर के का बिहेवियर हो रहा है क्या, कि VBE की वैल्यू को चेंज करने पर IB में किस टाइप का चेंजेस देखने को मिल रही है, तो ये कहलाती है ट्रांजिस्टर की इनपुट करेक्टरिस्टिक्स। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ग्राफ ऐसा क्यों बन रहा है, थोड़ा सा हम डायोड को लेकर समझ सकते हैं, बट हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हम मोटे तौर पर सिर्फ इतनी बात अपनी याद कर लेते हैं, हाँ ठीक है यार, VBE को बढ़ाने पर IB इस टाइप से वेरी करेगा, ठीक है। अब आते हैं ट्रांजिस्टर की आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स पर। आउटपुट साइड यानी कलेक्टर साइड पर क्या हो रहा है उसको हमने कुछ स्टडी किया, कुछ वर्किंग करी वहाँ पर, कुछ वोल्टेज करंट में चेंजेस किए और एक ग्राफ बनाया। तो हम लोग वो ग्राफ यहाँ पर देखते हैं और उसको ट्रांजिस्टर की आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स कहेंगे, ठीक। ये देखिए आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर, आपने क्या किया, आपने इधर की तरफ ये करंट लिखी IC और इधर की तरफ ये आपने वोल्टेज ली VCE, ठीक है। कलेक्टर साइड की तरफ करंट और कलेक्टर साइड तरफ क्या वोल्टेज IC और VCE। ये VCE आपने ले लिया मान लीजिए वोल्ट में और IC आपने ले लिया मिली एम्पियर में, चाहिए। अब आप यहाँ पर क्या देखते हैं, जैसे इधर आपने क्या ग्राफ बनाया कि एक आउटपुट साइड की जो वोल्टेज है VCE उसको फिक्स रखते हुए काम किया और इनपुट साइड में करंट और वोल्टेजेस में चेंजेस देख के ग्राफ खींच दिया। अब हम क्या करेंगे, आउटपुट साइड में यानी कलेक्टर साइड में करंट और वोल्टेजेस को बदल के ग्राफ खींचेंगे और इनपुट साइड में कुछ चीज़ फिक्स रखेंगे, क्या। तो इनपुट साइड में हम फिक्स रखेंगे बेस करंट IB को फिक्स रखेंगे। हमने क्या किया, हमने IB की एक वैल्यू फिक्स करी मान लीजिए 20 माइक्रो एम्पियर और यहाँ पर जो IC और VCE के बीच में ग्राफ है वो खींचा, तो IC और VCE के बीच में ग्राफ आपको कुछ इस टाइप से मिला। ये देखिए फॉर वैल्यू IB इज इक्वल टू क्या 20 माइक्रो एम्पियर, आपको जो IC और VCE के बीच में ग्राफ है इस टाइप का मिला, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि पहले VCE को बढ़ाने पे IC बढ़ता है और उसके बाद फिर ये IC की वैल्यू ऑलमोस्ट क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है, सही है। ये आपने VCE दिखा दिया 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट, 8 वोल्ट, 10 वोल्ट, 12 वोल्ट, इस टाइप से, सही है। और ये आपने IC दिखा दिया, मान लीजिए IC की वैल्यू है 2 मिली एम्पियर, सही है। अब आप क्या करते हैं, आप एक बार ये ग्राफ खींच लिए, अब IB की वैल्यू को 20 माइक्रो एम्पियर से बढ़ा के 40 माइक्रो एम्पियर कर लेंगे, फिर दोबारा से वही ग्राफ खींचेंगे। जैसे मैंने कहा कि ये ग्राफ खींचते समय हम IB को 20 माइक्रो एम्पियर पर फिक्स रखेंगे, ऐसी दोबारा ग्राफ खींचेंगे उसमें IB को 40 पर फिक्स करेंगे। अब IB को 40 कैसे करेंगे, वो देखेंगे पहले इनपुट साइड पर कुछ चेंजेस करके IB को 40 माइक्रो एम्पियर तक लाएंगे, फिर 40 पर उसको फिक्स रखते हुए IC और VCE के बीच में ग्राफ, तो वो ग्राफ आपका कैसे बनेगा वो देखिएगा। ये ग्राफ आपका कुछ ऐसे बना, ये बात हो गई कब, जब IB बराबर आप क्या ले रहे हैं 40 माइक्रो एम्पियर, तब ग्राफ ऐसा बन गया। फिर आपने कहा भाई हम और IB की वैल्यू 40 या 60 माइक्रो एम्पियर कर दें, फिर ग्राफ खींच लें, यस बिल्कुल खींच सकते हैं। ये देखिए ये आपने ग्राफ खींच दिया और ये ग्राफ IB बराबर 60 माइक्रो एम्पियर के लिए है, सही है। इस तरीके से आप जो है वो IC और VCE के बीच में ग्राफ खींचते हैं। आउटपुट करेक्टरिस्टिक ये जो बनाते हैं इसमें IB की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए आप जो है ये ग्राफ बार बार खींचते हो, इसको आउटपुट करेक्टरिस्टिक कहते हैं। अब आउटपुट करेक्टरिस्टिक जो है इसमें और इनपुट करेक्टरिस्टिक जो है इनमें हमारे लिए जो चीज़ काम की है वो ये कि आप IB को जो है वो बदल सकते हैं,
कैसे? वीबीई में बहुत जरा सा चेंजेस करोगे, वीबीई में बहुत जरा सा चेंज करोगे, बहुत जरा सा। देखो अगर तुम्हें आईबी को 40 से 60 करना है तो तुमको वीबीई में कोई खास चेंज नहीं करना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे तो जब ये चेंज हो रहा है तो इस दौरान तो वीबीई लगभग लगभग फिक्स है, मतलब आईबी को 60 से 80 करना है तो वीबीई में बहुत जरा सा चेंज होगा। तो इन बेस एमिटर वोल्टेज, इसको आप इनपुट वोल्टेज कह सकते हैं, तो इनपुट वोल्टेज में बहुत जरा सा चेंज करने से आपको इनपुट करंट यानी बेस करंट में ठीक ठाक कुछ चेंज देखने को मिल जाएगा। एक तो यहाँ से ये चीज़ आपको देखने को मिल रही है। और आउटपुट करेक्टरिस्टिक में आपको ये देखने को मिल रहा है, हम इससे इसकी बात नहीं करेंगे, हम ये वाले चेंजेस की बात करेंगे। आउटपुट करेक्टरिस्टिक में आपको ये देखने को मिल रहा है कि बेस करंट को अगर बदला जाए, मान लीजिए आप VCE को फिक्स रखते हैं कितने पर, 10 वोल्ट पर। VCE को कितने पर फिक्स रख दिया, 10 वोल्ट पर। तो जब IB तुम्हारा 20 माइक्रोएम्पियर है तो IC कुछ है, और IB को अगर 40 कर दोगे तो IC बदल जाएगा, IB को और बढ़ा दोगे तो IC बढ़ जाएगा। और देख सकते हैं IB में चेंज छोटा है, मान लीजिए 20 माइक्रोएम्पियर का, तो IC में चेंज क्या होगा, बड़ा 2 मिलीएम्पियर का, सही है। तो हमारे लिए ये इनपुट और आउटपुट करेक्टरिस्टिक वाले ग्राफ ऐसे क्यों बने हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए सिर्फ इतनी सी बात नोटिस करना बहुत है कि वीबीई में जरा सा चेंज करने से आईबी में ठीक ठाक चेंज होगा, और आईबी में फिर चेंज होने से आईसी में ठीक ठाक चेंज को मिलेगा। तो ये इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो हमको यहाँ पर नोटिस करने को मिलती है, और हमारे लिए इतना नोटिस करना ही बहुत है। और ये ग्राफ इस तरीके के ही क्यों बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, हमें उनसे कोई खास लेना देना नहीं है। तो आप ये ग्राफ दोनों चीज़ें बनाएं, फिर आगे देखते हैं। फिर हम लोग ट्रांजिस्टर जो है उसका एक इस्तेमाल देखते हैं, जो पहले भी आपको बताया हमने कि ट्रांजिस्टर का यूज़ एज एन एम्पलीफायर किया जाता है। एम्पलीफायर का मतलब जो एसी सिग्नल के एम्पलीट्यूड को बढ़ाने के लिए यूज़ होगा, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, ठीक है। एम्पलीफायर का मतलब बताया हमने कि एम्पलीफायर का मतलब है जो इंक्रीज करेगा एम्पलीट्यूड ऑफ एसी सिग्नल। एसी सिग्नल कह लो या एसी वोल्टेज कह लो, उसके एम्पलीट्यूड को क्या करेगा, इंक्रीज। किसी जगह पर एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज थी, बहुत छोटे एम्पलीट्यूड की थी, ऐसी कुछ 2 माइक्रो वोल्ट का उसका एम्पलीट्यूड चल रहा था। अब आप उसके एम्पलीट्यूड को बढ़ाकर 1 मिली वोल्ट करना चाहते हैं तो आप ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल उसमें कर सकते हैं। ध्यान रखना है ये एसी सिग्नल्स के एम्पलीट्यूड को बढ़ाने का काम आएगा। डीसी सिग्नल यानी फिक्स वोल्टेज, जैसे मैं आपको कहूँ कि यार ये हमारे पास फिक्स वोल्टेज है 2 वोल्ट, इसको बढ़ा के 4 वोल्ट कर दो, तो हम ट्रांजिस्टर का यूज़ नहीं करेंगे। एसी सिग्नल जो है उसके एम्पलीट्यूड को बढ़ाने के काम होगा। जैसे यहाँ पर ये आपने कहा कि भाई ऐसा है, ये एक वोल्टेज है, इसको लिखा हमने VI, ये देखिए टाइम के साथ कुछ ऐसे फ्लक्चुएट कर रहा है, ठीक है। और इसका जो एम्पलीट्यूड है वो है मान लीजिए माइक्रो वोल्ट में, तो 5 माइक्रो वोल्ट -5 से +5, सही है। ये इस टाइप से फ्लक्चुएशन चल रहा था, और इसका टाइम पीरियड जो था वो था मान लो कैपिटल T, सही है। अब हम इसको एम्पलीफाई करना चाहते हैं तो हम इसके टाइम पीरियड यानी इसकी टाइम पीरियड को नहीं बदलेंगे, मतलब फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ एम्पलीट्यूड को बदलेंगे। तो हमने क्या किया, हमने इससे क्या करना है, एम्पलीफायर का यूज़ करेंगे, और एम्पलीफायर का यूज़ करके हम इसका लिए एक आउटपुट वोल्टेज इस टाइप से जनरेट करेंगे एम्पलीफायर के द्वारा कि जिसमें जो टाइम पीरियड है वो तो वही रहेगा, बस एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर जाएगा। ये देखिए ये एम्पलीट्यूड बढ़ गया, टाइम पीरियड तो T रहा, एम्पलीट्यूड पता चला जो पहले 5 माइक्रोवोल्ट था अब वो 10 मिलीवोल्ट हो या 1 मिलीवोल्ट हो गया। देख रहे हैं 5 माइक्रोवोल्ट से क्या हो गया, 1 मिलीवोल्ट।
तो आप ये कहोगे हमने कितने टाइम से इसको एम्पलीफाई किया, तो हम ऐसे कर लेंगे कि भाई आउटपुट अपान इनपुट, आउटपुट वोल्टेज में एम्पलीट्यूड कितना है 1 मिली वोल्ट, इनपुट वोल्टेज में एम्पलीट्यूड कितना है 5 माइक्रो वोल्ट। तो यहाँ पे जो आपका एम्पलीफायर है उसने हमारी वोल्टेज को 200 टाइम्स बढ़ा दिया, ऐसे कहेंगे। तो 200 जो है एम्पलीफिकेशन कर दिया है। अब इसको चाहे आप वोल्टेज गेन कह सकते हैं, वोल्टेज का एम्पलीफिकेशन कह सकते हैं, वाट एवर, वो हम बात कर लेंगे। अभी बस ऐसे ही बताया कि अगर इस टाइप का काम कहीं पे किया जाएगा तो हम कहेंगे कि हम एसी सिग्नल को एम्पलीफाई कर रहे हैं और ये काम करने के लिए ट्रांजिस्टर की मदद ली जाएगी, सही है। अच्छा, तो ट्रांजिस्टर जो है वो कैसे वर्किंग करेगा एज एन एम्पलीफायर, वो हम यहाँ पर सीखना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर पहले ट्रांजिस्टर की जो इनपुट और आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स हैं उनसे मैं क्या देखता हूँ कि ट्रांजिस्टर का जो VBE है अगर उसमें हम चेंज करेंगे तो उससे क्या होगा, ये ऐसे लिखते हैं चेंज VBE, VBE को आप बदलिए, तो VBE को बदलने से क्या होगा IB चेंज करेगा, बिल्कुल सही बात है। और IB चेंज होने से क्या होगा, IB चेंज होने से IC चेंज होगा, बिल्कुल। और IC जब चेंज होगा तो हम लोग इसी IC में जो चेंज है उसी से ही आउटपुट AC वोल्टेज बनाएंगे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, एक इनपुट वोल्टेज लूँगा, इनपुट AC वोल्टेज, और उससे क्या करूँगा VBE को बदलूँगा। VBE को बदलने से IB बदलेगा, IB बदलने से IC बदलेगा, और IC बदलने से एक आउटपुट एसी वोल्टेज हमको मिलेगा। ये मोटे तौर पर आपको लाइन याद रखनी है कि ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर कैसे काम करता है। आपके पास इस टाइप का एक सिग्नल होगा, इससे आप क्या करोगे ट्रांजिस्टर का VBE बदलोगे, VBE बदलने से IB बदलेगा, IB बदलने से IC बदलेगा, और IC बदलने से क्या होगा, आप जहाँ पर IC है वहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस वगैरह लगाकर वोल्टेज में चेंजेस देखोगे, और वो जो चेंजेस होंगे वो यही वाले होंगे। मैं काम करूँगा कि जो IC में चेंज हो रहा है इससे आउटपुट वोल्टेज कैसे मिलेगा, तो मैं एक दिखाऊंगा आपको, ये RC एक आउटपुट साइड पे यानी कलेक्टर साइड पे रेजिस्टेंस लगाया जाएगा, जिसका काम ये होगा कि जब कलेक्टर इस करंट में चेंज हो तो इस रेजिस्टर जो है ये कहेगा कि अच्छा भाई मेरे में फ्लो होने वाली करंट में चेंज हो रहा है, तो उससे मेरे अक्रॉस जो वोल्टेज है वो बदलेगा, और इसी के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा उसको हम आउटपुट वोल्टेज कह देंगे, ठीक है। तो ये आउटपुट AC वोल्टेज मिलेगा। ये इस तरीके की बात अभी आपको बताई गई, ये पहले इसलिए बता दिया है कि अभी हम जो काम करने जा रहे हैं तो हम उसको फिर कनेक्ट कर लेंगे। हालांकि इससे बात थोड़ी समझ में आती है कि हम क्या करने जा रहे हैं, ठीक है, पूरा क्लियर नहीं होता, बट जब हम ये डायग्राम आगे बनाते हैं थोड़ी वर्किंग करते हैं तो फिर ये ओवरऑल जो हमारा प्रोसीजर है वो दिमाग में फिट हो जाता है। अच्छा चलो, खैर तो क्या वर्किंग होगी, वर्किंग ऐसे होगी कि ट्रांजिस्टर ये रहा एक, और ट्रांजिस्टर जो है उससे आपको अगर काम करवाना है तो पहले ट्रांजिस्टर की बायसिंग करनी पड़ती है। बायसिंग का मतलब उसके जो बेस एमिटर जंक्शन है उसको फॉरवर्ड बायस करना होता है और कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस करना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। तो आप क्या करोगे, ये देखिए, ये आप यहाँ पर एक वोल्टेज लगाओगे, इसको कह दिया आपने VBB, ये रेजिस्टेंस लगा दिया आपने RB, और यहाँ पर जो है ये बेस एमिटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस कर दिए। कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस करना होता है, उसके लिए इस टाइप की सिचुएशन देखी जाएगी। ये वोल्टेज हो गई VCC, ये रजिस्टर है RC, ये वही रजिस्टर है जिसको लेके अभी हम आउटपुट वोल्टेज जो है उसको लेके वर्किंग करेंगे, आउटपुट वोल्टेज ऑब्टेन करेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो करंट है वो हो गई IB, ये करंट हो गई IE, ये करंट हो गई IC, सही। अब हम क्या कहते हैं कि ये ट्रांजिस्टर को हमने बायस कर दिया, अब ये ट्रांजिस्टर जो है
ये सेट हो गया है। और ये ट्रांजिस्टर अब क्या कहेगा कि यार अगर तुम मेरे यहाँ पर बेस एमिटर वोल्टेज में थोड़ा चेंज करवाओ, किसके हिसाब से, इसके हिसाब से, तो मेरे में ये जो बेस में करंट है ये थोड़ी सी बदलने लगेगी, ये बदलेगी तो ये आईसी बदलने लगेगी, और आईसी बदलने लगेगी तो यहाँ जो वोल्टेज है वो बदलने लगेगी। अब आपको ये बात थोड़ी सी और बेहतर समझ में आएगी, आ रही होगी। अगर हम किसी प्रकार से यहाँ जो वोल्टेज है उसको बदलें, कैसे, इसका असर कुछ यहाँ पर डालें, इसके असर को यहाँ डालें जिससे ये वोल्टेज यहाँ बदलने लगे, तो ये आई भी बदलेगा, आई भी बदलने से आई सी, और आई सी बदलेगा तो इसके क्रॉस वोल्टेज वेरी करेगा, और यहाँ वोल्टेज जो वेरी करेगा वही हमारा आउटपुट वोल्टेज हो जाएगा। सही है। तो अब क्या करें इसमें, इस टाइप के किसी इनपुट वोल्टेज के असर को ट्रांजिस्टर के बेस में कैसे डालें, तो उसका तरीका ये होता है कि आप जो है यहाँ पर एक कैपेसिटर लगाते हो सी, और ये जो है ये एक इनपुट वोल्टेज यहाँ पर कनेक्ट कर देते हो, तो वी आई हो गई, स्मॉल एम्पलीट्यूड इनपुट वोल्टेज, ठीक है, ये कैपेसिटर लगा के इस एसी वोल्टेज का इफेक्ट बेस में डाला जाता है। ये जो वोल्टेज है इसको डायरेक्ट नहीं कनेक्ट करते, कैपेसिटर एक लगा के कनेक्ट करते हैं। उसका एक बहुत सिंपल सा कारण होता है कि है क्या कि अगर ये कैपेसिटर आपने यहाँ नहीं लगाया तो ये जो इनपुट वोल्टेज है ये बहुत छोटी वोल्टेज है, 5 माइक्रोवोल्ट, और ये जो बैटरियाँ लगी है ये काफ़ी बड़ी वोल्टेज है, ये है 5 वोल्ट। अब ये समझो 5 माइक्रोवोल्ट और ये 5 वोल्ट, ये वोल्टेज इससे 10 लाख गुनी होगी, 10 लाख टाइम्स, तो ये वोल्टेज के कॉन्टेक्ट में अगर ये आ गया तो ये सोर्स डिस्टर्ब हो जाएगा, खराब हो जाएगा, ठीक है, और वर्क खुद ही नहीं कर पाएगा, ये वोल्टेज ही जनरेट करना बंद कर देगा, हो सकता है ये परमानेंटली डैमेज हो जाए। चाहिए तो इस बड़ी वोल्टेज के कॉन्टेक्ट में इसको नहीं ला सकते, तो इस बड़ी वोल्टेज से इसको बचाने के लिए क्या किया जाता है, यहाँ पे एक कैपेसिटर लगाया जाता है। अच्छा, कैपेसिटर से क्या होता है, कैपेसिटर में एक खास बात होती है कि कैपेसिटर जो है वो फिक्स वोल्टेज के लिए ओपन सर्किट की तरह से काम करता है। आपको शायद याद हो कि अगर आप कैपेसिटर की चार्जिंग वाला केस पढ़ते हैं तो चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर आरसी सर्किट, उसमें क्या होता है कि जब कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाता है तो वो ओपन सर्किट की तरह से काम करने लगता है। भूल गए होंगे थोड़ा सा, कोई बात नहीं है, मैं बता रहा हूँ कि कैपेसिटर जो है वो फिक्स वोल्टेज जो होती है उसके लिए ओपन सर्किट की तरह से काम करता है, और जो एसी वोल्टेज है उसके लिए इसका वर्किंग जो होती है वो एक इसकी अपनी एक रिएक्टेंस होती है, उसके हिसाब से काम करता है। अच्छा, हमने कहा भी ऐसा है, हम थोड़ी सी बात यहाँ पे लिखेंगे कि जो कैपेसिटर होता है उसकी रिएक्टेंस होती है एक्सी बराबर 1/ωC। यस, ये तो याद होगा ही डेफिनेटली। अब ध्यान दीजिए कि अगर आप डीसी वोल्टेज की बात करते हैं, डीसी वोल्टेज मतलब फिक्स वोल्टेज, तो फिक्स वोल्टेज के लिए जो ओमेगा है वो हो जाएगा 0, कोई वेरिएशन ही नहीं हो रहा। जैसे ये वोल्टेज 5 वोल्ट फिक्स वोल्टेज है तो कोई तुमसे पूछे इसकी फ्रिक्वेंसी क्या, तुम बताओगे 0, और ओमेगा अगर 0 हो गया तो एक्सी हो गया क्या, इनफाइनाइट, और एक्सी इनफाइनाइट हो जाएगा तो ऐसे केस में ये कैपेसिटर इस वोल्टेज के लिए एक ओपन सर्किट की तरह से काम करेगा। तो इसका मतलब सी एक्स एज ओपन सर्किट फॉर डीसी। आई बात समझ में, जब ये बैटरी यहाँ लगी हो, ये कैपेसिटर यहाँ लगाया, तो कैपेसिटर इस बैटरी के लिए ओपन सर्किट की तरह से काम करेगा। मतलब जब ये बैटरी इधर देखेगी तो कैपेसिटर कहेगा इधर मत देखो, यहाँ पे ये मान लेना कि ये तार यहाँ से कटा हुआ है। ये किसको ऐसा महसूस करवाएगा, इस वाली वोल्टेज को। तो इसको ओपन सर्किट होने के चलते इस वोल्टेज का असर इधर नहीं जा पाएगा, समझे, ये बड़ी वोल्टेज होगी तो, बट ये इधर की तरफ कोई असर नहीं डाल पाएगी। क्यों, क्योंकि कैपेसिटर इसके लिए ओपन सर्किट की तरह से काम करेगा, और जो कैपेसिटर है वो एसी के लिए क्या करेगा, तो अगर हम एसी वोल्टेज की बात करेंगे तो एसी वोल्टेज के लिए मान लो एसी वोल्टेज है लार्ज ओमेगा की, बड़े ओमेगा की, खूब तेजी से फ्लक्चुएशन चल रहा है, तो ऐसे केस में जो एक्सी है वो क्या होगा, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल मतलब ऑलमोस्ट 0, तो ऐसे में जो सी है वो क्या करेगा, एक्स एज शॉर्ट सर्किट फॉर एसी। सी जो है वो एसी के लिए एक शॉर्ट सर्किट की तरीके से
काम करेगा। तो अगर तुम इस वोल्टेज से पूछोगे कि भाई तुम्हारा क्या मामला है, तो ये वोल्टेज कहेगा कि मुझे तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट दिखाई दे रहा है। तो इससे फायदा क्या हुआ कैपेसिटर ने से कि इस बड़ी वोल्टेज का असर इधर नहीं आएगा, इस छोटी वोल्टेज का असर इधर आएगा। तो ये कैपेसिटर जो है यहाँ पर लगाया जाता है, और इसका जो रोल है वो आपको बताया कि इस छोटे सोर्स के इफेक्ट को तो इधर ट्रांजिस्टर के बेस में ट्रांसफर करना, लेकिन इधर बड़ी वोल्टेज के इफेक्ट को इधर नहीं आने देना। अच्छा, तो हमने कहा भी चाहिए चलो अब ये अगर ऐसे सर्किट लगा दोगे तो इस इनपुट वोल्टेज का, ये जो छोटी छोटी वोल्टेज फ्लक्चुएट कर रही है, इसका असर यहाँ आना शुरू कर हो जाएगा, और ये जो बेस एमिटर वोल्टेज है ये थोड़ी थोड़ी बदलनी शुरू हो जाएगी। ये बदलनी शुरू हो जाएगी तो यहाँ जो करंट है इसमें भी छोटा छोटा चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। अब जब यहाँ करंट में चेंज होना शुरू होगा छोटा छोटा, तो इस कलेक्टर करंट में थोड़ा बड़ा चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ चेंज होना शुरू हो गया तो यहाँ पर जब आप वोल्टेज देखोगे तो ये वोल्टेज भी बदलने लगेगी। हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर ये जो रजिस्टर लगा हुआ है, आरसी लगा हुआ है, इसके अक्रॉस एक यहाँ पर तार खींचते हैं और कैपेसिटर लगाते हैं, और ये कहते हैं कि यहाँ पर हमको मिलेगा VO। VO का मतलब क्या, आउटपुट AC वोल्टेज। ध्यान दीजिएगा, जैसे आपने यहाँ पे इनपुट साइड पर क्या किया है कैपेसिटर लगाया, वैसे ही आप आउटपुट साइड पे भी कैपेसिटर लगाएंगे। क्यों लगाया है, सो दैट आपको यहाँ जो करंट IC है इसमें जो फ्लक्चुएशन हो रहे होंगे उसके चलते यहाँ जो वोल्टेज में फ्लक्चुएशन हो रहे होंगे वो तो आपको इधर देखने को मिलेंगे, जो फिक्स वोल्टेज हैं उनका इफेक्ट उधर देखने को नहीं मिलेगा। फिर वही बात है, कैपेसिटर DC के लिए ओपन सर्किट की तरह से काम करता है, तो इस वोल्टेज का असर कैपेसिटर उधर नहीं जाने देगा, लेकिन यहाँ पर ये जो इनपुट वोल्टेज है फ्लक्चुएट करेगी कम ज़्यादा, तो IB ये भी घटेगी बढ़ेगी कम ज़्यादा, तो IC भी घटेगा बढ़ेगा, ठीक। और IC घटेगा बढ़ेगा तो यहाँ जो वोल्टेज है वो भी क्या होगा, घटेगा बढ़ेगा। तो उसके चलते वो जो चेंजेस होंगे वो तो ये कैपेसिटर पास कर देगा, बट जो फिक्स वोल्टेजेस हैं उनका असर पास नहीं करेगा। तो ये सिंपल सी चीज़ जो है वो हमको यहाँ पर बताएगी। हम ठीक है भाई, चलो पहले इतनी चीज़ नोट कर लेते हैं फिर आगे देख लेते हैं। इसमें लिख लेंगे वोल्टेज गेन, करंट गेन, पावर गेन, इस टाइप की चीज़ें होती है, अभी नोट कर देंगे। तो पहले ऐसे लिख लीजिए, हम लोग क्या कहते हैं कि यहाँ पर जो VBE है, ठीक है, उसमें चेंज लाने के लिए ही इसको लाए थे पिक्चर में। तो हम ये कहते हैं कि यार जो इनपुट वोल्टेज हम लगा रहे हैं समझो वही है बेस एमिटर वोल्टेज में चेंज, ठीक है। तो ऐसे केस में जो करंट में चेंज होगा वो बेस एमिटर वोल्टेज में चेंज डिवाइडेड बाय इनपुट रेजिस्टेंस। हाँ सही है, ये बात आपको बताई गई थी, डेल्टा VBE बटे डेल्टा IB वो RI होता है, इनपुट रेजिस्टेंस। अच्छा, तो आप यहाँ पे लिखोगे दिस इज इक्वल टू VI अपान RI, मतलब यहाँ जो वोल्टेज आप लगाओगे उसके हिसाब से यहाँ पे करंट में चेंज होगा। ये VI को आप समझिए जो वोल्टेज में फ्लक्चुएशन हो रहा है, तो जब यहाँ वोल्टेज में फ्लक्चुएशन होगा तो अपान RI कर दोगे, तो जितना यहाँ वोल्टेज में फ्लक्चुएशन उतना अपान RI करके क्या करंट में फ्लक्चुएशन, करंट में फ्लक्चुएशन होगा तो उससे जो कलेक्टर करंट है उसमें चेंजेस आएंगे। तो डेल्टा IC बराबर लिखोगे बीटा डेल्टा IB, बात समझे, करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर बीटा क्या बताया था, IC अपान IB या डेल्टा IC बटे डेल्टा IB। तो अगर यहाँ पे करंट में चेंजेस होंगे तो यहाँ करंट IC बदलेगी, सही है, डेल्टा IC बराबर बीटा डेल्टा IB, तो ये हो गया बीटा इंटू VI अपान RI। अब हमने कहा भाई ऐसा है जब यहाँ पर करंट चेंज होगा तो यहाँ जो वोल्टेज है वो वोल्टेज भी बदलेगा, तो जो आउटपुट वोल्टेज है वो क्या हुआ, आउटपुट वोल्टेज विल बी डेल्टा ऑफ VCC माइनस ICRC।
ये क्या बात हुई भाई, ये क्या लिख डाला मैंने। अरे यहाँ जो वोल्टेज यहाँ आपको मिलेगी वो कितनी मिलेगी, VCC माइनस ICRC मिलेगी ना। समझो किसी बैटरी की डिस्चार्जिंग हो रही है, तो बैटरी की डिस्चार्जिंग हो रही है तो उसका EMF है ई, करंट आई, इंटरनल रेजिस्टेंस आ, तो टर्मिनल्स के क्रॉस वोल्टेज क्या होती है, V बराबर ई माइनस IR। तो यहाँ वोल्टेज है VCC, ये हो जाएगा ICRC, तो ये टोटल वोल्टेज हो गई VCC माइनस ICRC। अब आउटपुट वोल्टेज जो है वो VCC माइनस ICRC नहीं है, कैपेसिटर लगा हुआ है, तो इस वोल्टेज में जो चेंज होगा वो आपको उधर दिखेगा, इसमें जो फिक्स वैल्यू होगी वो आपको उधर नहीं दिखेगी। सही है। तो हमने कहा भाई क्या मतलब है, कुछ वैल्यू लेकर बता देता हूँ कि मान लीजिए अभी ये सोर्स नहीं था, तो यहाँ जो वोल्टेज थी वो आपकी मान ली थी 10 वोल्ट, कितनी थी 10 वोल्ट। अब क्या हुआ, ये सोर्स लगा दिया, सोर्स ने क्या किया, ये वोल्टेज को बदला, इस वोल्टेज को 10 से घटा के 9.8 कर दिया। तो अगर 10 से घटा के 9.8 किया तो चेंज कितने का किया, -0.2 का, तो VO की वैल्यू क्या होगी, -0.2। अगर ये वोल्टेज कभी बदलती है और उससे ये जो वहाँ जो वोल्टेज है वो 10 की जगह 10.1 हो गई, तो यहाँ जो वोल्टेज है वो फिक्स लेवल 10 के कंपैरिजन में 10.1 हो गई है, यानी उसमें चेंज कितने का हुआ है, 0.1 का। तो जो चेंज है वो आपको आउटपुट पर दिखाई देगा, कितना, प्लस का 0.1, समझे। तो फिक्स जो वोल्टेज है वो नहीं दिखाई देगी उधर की तरफ कैपेसिटर के कारण, उसमें जो फ्लक्चुएशन होंगे वो आपको दिखाई देंगे। कैपेसिटर लगाया ही इसीलिए है ताकि जो वेरिएशंस हैं, जो AC है उसका इफेक्ट आपको मिले, DC फिक्स वोल्टेज का इफेक्ट ना मिले। अच्छा, तो हमने कहा भी सही है, ये बात थोड़ी समझाई की है। तो आपने कहा भी आउटपुट वोल्टेज इज डेल्टा ऑफ दिस, अब डेल्टा का मतलब चेंज, तो डेल्टा ऑफ VCC माइनस डेल्टा ऑफ ICRC। अब एक बात बताओ, क्या VCC में कोई बदलाव हो रहा है, नहीं, ये तो फिक्स वैल्यू है, तो इसमें चेंज क्या हो गया, 0। माइनस यहाँ पे RC बदल रहा है क्या, नहीं, तो ये हो गया डेल्टा IC इंटू RC। तो आउटपुट वोल्टेज इज माइनस का डेल्टा IC इंटू RC, डेल्टा IC है माइनस बीटा VI अपान RI इंटू RC, तो आउटपुट वोल्टेज विल बी माइनस का बीटा RC अपान RI इंटू VI। ये आपने क्या किया, ये आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज में रिलेशन देखा। अब मान लीजिए ये वैल्यू 1000 आ जाए, मान लो ये वैल्यू कितनी आ जाए, 1000, तो इसका मतलब हो गया कि जो आउटपुट वोल्टेज है उसका एम्पलीट्यूड इनपुट वोल्टेज से 1000 गुना हो जाएगा। अगर ये जो वैल्यू है ये 10000 आ जाए तो आउटपुट वोल्टेज इनपुट का 10000 गुना हो जाएगा, हो गया एम्पलीफिकेशन। जो AC सिग्नल है उसका एम्पलीफिकेशन हुआ। ध्यान दीजिए, ये कैपेसिटर सिर्फ AC सिग्नल के इफेक्ट को बेस में डालेगा, उससे क्या होगा, ये बेस में जो करंट है ये वेरी करेगी, फ्लक्चुएट करेगी, उससे कलेक्टर करंट फ्लक्चुएट करेगी, और कलेक्टर करंट के फ्लक्चुएट होने से यहाँ जो वोल्टेज है वो फ्लक्चुएट होगी, और कैपेसिटर क्या करेगा, जो फ्लक्चुएशन है बस वही हमको आउटपुट के तौर पर दे देगा, फिक्स वैल्यूज जो है उनसे हमको दूर रखेगा, हो गया काम। ऐसे करके हमारा जो कैपेसिटर है वो एम्पलीफिकेशन कर देता है। अच्छा, तो मैंने कहा भाई ऐसा है, ये हमने पहले लिख दिया था ना VO लिख दिया था ना पहले, तो इसको डायग्राम में हम मिटाल सकते हैं, इसमें कोई चेंज तो किया नहीं मैंने अभी, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। एम्पलीफिकेशन हुआ है उसको लेके कुछ चीज़ें डिफाइन करते हैं कि भाई कितना आपने एम्पलीफाई किया, कितने टाइम्स एम्पलीफिकेशन किया, 100 गुना, 1000 गुना, ठीक है। तो ये वैल्यू अलग दिख रही है बट उसको एक स्पेशल नाम दे देंगे। तो हम यहाँ पर कहेंगे, सबसे पहले एक चीज़ डिफाइन करेंगे, करंट गेन। करंट गेन को आप शॉर्ट में AV लिख लेते हो। AV का मतलब हो गया जो आउटपुट में आपकी करंट है, कौन सी, अल्टरनेटिंग वाली यानी चेंज वाली, जो फ्लक्चुएशन हो रहे हैं उनका रेशियो, आउटपुट साइड यानी कलेक्टर साइड पर चेंज और बटे इनपुट साइड यानी बेस साइड पर चेंज, तो ये रेशियो कहलाता है करंट गेन AV। ये वही हो गया क्या, बीटा, चाहिए, सॉरी AI, करंट गेन AI, करंट गेन कितना हो गया, बीटा। दो चीज हमने लिखी, वोल्टेज गेन, वोल्टेज गेन जो है AV, वोल्टेज गेन क्या हुआ भाई, आउटपुट वोल्टेज बटे इनपुट वोल्टेज। अब चाहे तुम इसको जो है वो डेल्टा करके लिख दो, या जो है बस इनपुट और आउटपुट वोल्टेज जैसा लिख दीजिए,
तो आउटपुट वोल्टेज अपान इनपुट वोल्टेज, यहाँ से देखिए जो आपकी वोल्टेज गेन है वो क्या मिल गई, ए बी बराबर माइनस का बीटा आर सी अपान आर आई। हालांकि हम क्या करेंगे, हम ए बी को सिंपल ऐसे लिखेंगे बीटा इंटू आर सी अपान आर आई, ऐसे लिखेंगे, माइनस साइन को गेन में नहीं यूज़ करेंगे। माइनस साइन इसलिए नहीं लगा रहे हैं क्योंकि माइनस साइन यहाँ पर यह बता रहा है कि जो ए सी वाले फ्लक्चुएशन हो रहे हैं इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज में, उनमें पाई का फेज डिफरेंस है। ये माइनस साइन ये बता रहा है कि अगर इनपुट वोल्टेज जो है वो साइन थीटा के हिसाब से चलेगी तो आउटपुट वोल्टेज माइनस साइन थीटा के हिसाब से चलेगी, समझे। माइनस साइन ये बता रहा है कि इनपुट वोल्टेज अगर ऐसे है तो आउटपुट वोल्टेज यूं बनेगी, अभी ग्राफ बना दूंगा मैं। तो माइनस साइन का इफेक्ट जो है वो अलग चीज का है, हमारा जो इंटरेस्ट था वो एम्पलीट्यूड को बढ़ाने में था। तो एम्पलीट्यूड को बढ़ाने के मामले में गेन कितना मिला उससे इस माइनस साइन का कोई लेना देना नहीं है। एम्पलीट्यूड तो हजार गुना बढ़ा, माइनस साइन लगाओ तो भी हजार गुना एम्पलीट्यूड बढ़ा, माइनस साइन नहीं लगाओगे तो भी हजार गुना बढ़ा। तो हम जो गेन की बात करते हैं उसमें ये माइनस साइन नहीं लगाते, माइनस साइन का मतलब मैं अभी लिख दूंगा। तो वोल्टेज गेन ये रहा, एक चीज डिफाइन करते हैं पावर गेन। पावर गेन क्या हो गया, ए पी, अरे आउटपुट पावर बटे इनपुट पावर, तो आउटपुट पावर अपान इनपुट पावर ऐसे करके हम बताते हैं। तो वो चीज़ आपकी क्या हो जाएगी, वो आपकी हो जाएगी वोल्टेज गेन और इनटू करंट गेन। तो ये हो जाता है आपका बीटा स्क्वायर इनटू आर सी अपान आर आई। आउटपुट साइड पे जो वोल्टेज है वो वीओ है, करंट जो है वो डेल्टा आई सी है, तो वोल्टेज इनटू करंट। इनपुट साइड पे वोल्टेज इनटू करंट करेंगे तो यहाँ पे वोल्टेज करंट आउटपुट वाली, यहाँ पे इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट वाली चीज़ आएंगी। तो वोल्टेज वोल्टेज वाला रेशियो और करंट करंट वाला रेशियो लेकर, भाई पावर क्या हो गई, वोल्टेज इनटू करंट, तो आउटपुट साइड पर वी आई, इनपुट साइड पर वी आई, तो वोल्टेज वोल्टेज का रेशियो ले लोगे तो ए भी बन जाएगा, करंट करंट का रेशियो ले लोगे ए आई बन जाएगा। तो ये आपका पावर गेन कहलाता है, बीटा स्क्वायर इंटू आर सी अपान आर आई। बहुत बार आर सी को आर एल भी लिखते हैं, लोड रेजिस्टेंस करके भी नाम दिया जाता है, वो जो बाहर उस साइड पर रेजिस्टर लगाया तो उसको आर एल भी लिख देते हैं। तो वो बाद में लिख देता हूँ मैं यहाँ पे कि आर सी कैन बी रिटन एज आर एल, और जस्ट इन केस अगर इसको आर एल लिखते हैं तो इसको लोड रेजिस्टेंस भी बोल दिया जाता है। ये कोई खास बात नहीं है, छोटी सी चीज़ है, अपनी अलग से याद रख ली जाएगी कि भाई कहीं एक्सप्रेशन में आर एल लिख के दे दिया तो हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं। हमें समझ में आना चाहिए कि कलेक्टर साइड आउटपुट साइड है, उधर जो रेजिस्टेंस है उसको मैं आर सी भी लिख सकता हूँ, उसको मैं आर एल भी लिख सकता हूँ, चाहिए। तो इसको नोट कर लीजिए। तो हमने यहाँ पर वो माइनस साइन के बारे में बात करी, जैसे आप लिखते हो वी ओ बराबर माइनस का बीटा इंटू आर सी अपान आर आई इंटू वी आई। तो जो माइनस साइन है ये नेगेटिव साइन शोज दैट ए फेज डिफरेंस ऑफ पाई, इज बिटवीन इनपुट वोल्टेज एंड आउटपुट वोल्टेज। इनपुट और आउटपुट वोल्टेज के बीच में पाई का फेज डिफरेंस है। क्या मतलब हुआ इस बात का, इसका मतलब ये हुआ कि अगर इनपुट वोल्टेज जो है वो मान लीजिए है प्लस वन माइक्रोवोल्ट से माइनस वन माइक्रोवोल्ट के बीच में, और ये इस टाइप से जो है ये फ्लक्चुएशन चल रहा है यहाँ पर, ठीक, तो जो करस्पॉन्डिंग आउटपुट वोल्टेज आप बनाएंगे, ये करस्पॉन्डिंग आउटपुट वोल्टेज आप बनाएंगे, तो वो आउटपुट वोल्टेज मान लीजिए जाएगी माइनस का 1000 माइक्रोवोल्ट से प्लस 1000 माइक्रोवोल्ट के बीच में, सही है। आउटपुट वोल्टेज आपकी माइनस 1000 से प्लस 1000 के बीच में मान लीजिए वेरी करती है, तो हज़ार गुना एम्पलीफिकेशन कर दिया आपने। तो होगा ये कि जब इनपुट वोल्टेज बढ़ेगी, ठीक है, तब आउटपुट वोल्टेज घटेगी, और इनपुट वोल्टेज ये बढ़ जाएगी तो ये घट के अपने ये मैक्सिमम पर पहुंचेगी, ये मिनिमम पर, फिर ये आ जाएगी अपनी वापस जीरो पर तो ये वापस जीरो पर जाएगी, फिर ये नीचे जाएगी तो ये ऊपर जाएगी। ये ग्राफ थोड़ा सही से बनाए थे इस तरीके से।
ये देखिए, ये पाई का फेस चेंज हो गया। ये ग्राफ अगर साइन थीटा का है तो ये ग्राफ किसका है? माइनस साइन थीटा का। साइन सॉरी, ये ग्राफ अगर साइन थीटा का है तो ये ग्राफ माइनस साइन थीटा का है। तो बस इसी को ही कहते हैं पाई का फेस चेंज। क्यों? क्योंकि अगर कहीं पर लिखा हुआ है साइन थीटा और तुम दूसरी चीज लिखते हो माइनस साइन थीटा, तो इनका कंपेरिजन करोगे तो ये मत कहो कि ये माइनस साइन लगा दिया गया है। माइनस साइन थीटा को ऐसे लिख लो, माइनस साइन थीटा को लिख लो साइन थीटा प्लस पाई। साइन पाई प्लस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा होता है। तो इसके चलते हम ये कहेंगे कि साइन थीटा और माइनस साइन थीटा में पाई का फेज में फर्क है। अच्छा, अब हमने कहा भाई जो हमने वर्किंग करी यहाँ पर ये ट्रांजिस्टर को लेकर, तो उसमें हम क्या करते हैं कुछ वैल्यूज लेके जो है वो एक सिंपल सी जो है वो कुछ कैलकुलेशन करते हुए बात समझ लेते हैं कि इनपुट वोल्टेज में क्या चेंजेस हो रहे हैं, तो उससे कहाँ कहाँ पर क्या क्या असर पड़ रहा है। सही है? तो हमने भाई ऐसा करो, एक ट्रांजिस्टर बनाते हैं और ट्रांजिस्टर जो है इसके बारे में आपको बता दिया कि इसका जो बीटा है वो है मान लो 50। सही है? ट्रांजिस्टर का बीटा कितना है? 50। ट्रांजिस्टर का जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो है मान लो 100 ओम, और जो आउटपुट रेजिस्टेंस है यानी आरसी है, आरसी लिख लो, आरएल लिख लो, वो कुछ आपको दे रखा है मान लीजिए 200 ओम। चाहिए, ये आपने बता दिया कि भाई ट्रांजिस्टर है उसका बीटा इतना है, इनपुट रेजिस्टेंस दे रहा और जो कलेक्टर साइड पर रेजिस्टेंस लगा है लोड रेजिस्टेंस वो ये रहा। सर्किट तो वही होगा, ये सिर्फ ट्रांजिस्टर दिखा, इसका मतलब ये नहीं ऐसे रख दिया, बाकी वो बायसिंग वोल्टेज वगैरह सब लगे हुए होंगे। अब वो बात तो अंडरस्टूड है कि वो सब होंगे और ये वैल्यूज लिख दी तो उससे भी समझ में आ रहा है कि हाँ भाई पूरा सेटअप बना हुआ होगा अपना। अब क्या कहते हैं, अब हम एक इनपुट वोल्टेज यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ठीक है? और इनपुट वोल्टेज को अप्लाई करने से पहले व्हेन वीआई बराबर जीरो, जब हमने कोई एसी वोल्टेज नहीं लगाई थी, ट्रांजिस्टर की बायसिंग थी, सभी फिक्स वैल्यूज थी, तो उस समय पता चला कि जो आई बी है उसकी वैल्यू थी 2 माइक्रो एम्पियर। आई बी अगर 2 माइक्रो एम्पियर है तो आई सी जो है वो आपका था कुछ 100 माइक्रो एम्पियर, यानी कि 0.1 मिली एम्पियर। चाहिए, आई बी कितना था? 2 माइक्रो एम्पियर, और आई सी इससे 50 गुना था। बीटा होता है ना आई सी अपन आई बी, तो बीटा ये बताता है कि जो कलेक्टर करंट है वो बेस करंट से कितने टाइम से, तो कलेक्टर करंट बेस करंट से 50 गुनी है, तो ये 50 से मल्टीप्लाई कर दोगे। लिख दूँ क्या पूरी बात? लोग पूरा लिखता हूँ, आई सी बराबर बीटा आई बी, बीटा इज 50 इज 100 माइक्रो एम्पियर। 100 माइक्रो एम्पियर का मतलब 0.1 मिली एम्पियर। सही है, ये आई सी है। अब हमने इस समय जो आउटपुट साइड पर वोल्टेज मिल रही थी उसकी वैल्यू देखी, तो वी सी सी माइनस आई सी आर सी, ये आउटपुट साइड पर वोल्टेज है। मैंने बताया था ना कि यहाँ के एक बैटरी थी वी सी सी वाली, आर सी था, करंट आई सी फ्लो रही थी, तो वोल्टेज मैंने कितनी लिखी थी? वी सी सी माइनस आई सी आर सी। यही कहा था कि इसमें जो चेंज है वो आउटपुट वोल्टेज होगा, क्यों? कैपेसिटर के कारण। अभी लिखा था, इतनी जल्दी भूले नहीं होगी। तो ये वैल्यू कुछ हमें दे दी, ये वैल्यू कुछ हमें दे दी, सपोज ये वैल्यू है 8 वोल्ट। चाहिए, ये वैल्यू हमको 8 वोल्ट दे दी गई। जो भी सेटअप बनाया होगा, मैंने वो सेटअप आपके सामने नहीं बनाया, बस मैंने कहा यार अभी बना चुके उसको सेटअप को, तो उसमें ये वैल्यूज इस समय हैं। कब? देख लो, जब कोई एसी इनपुट वोल्टेज नहीं है, नो एसी इनपुट वोल्टेज, सही है? अब हम ये एसी इनपुट वोल्टेज लगाते हैं,
ये एसी इनपुट वोल्टेज अप्लाई करते हैं। जब ये एसी इनपुट वोल्टेज लगाओगे तो वोल्टेजेस, करंट, ये सब फ्लक्चुएट करना शुरू करेंगी, वैरी करना शुरू करेंगी। मैंने कहा ठीक है भाई, सपोज मैं वीआई की वैल्यू लगा देता हूँ प्लस वन माइक्रो वोल्ट। इनपुट वोल्टेज आपने लगा दी प्लस वन माइक्रो वोल्ट, चाहिए। तो अगर तुमने इसको प्लस वन माइक्रो वोल्ट कर दिया तो तुम्हारी जो बेस करंट है उसका क्या होगा? बेस करंट पहले 2 माइक्रो एम्पियर थी, अब वो बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ जाएगी? अरे इतना वोल्टेज अपान इनपुट रेजिस्टेंस करिए। जब तुम इतना एक्स्ट्रा वोल्टेज लगाओगे तो वोल्टेज अपान इनपुट रेजिस्टेंस करो ना, तो करंट मिलेगी नहीं मिलेगी? तो वोल्टेज में जितना चेंज हो गया करंट में भी चेंज होगा। कितना? इनपुट साइड पे वोल्टेज अपान इनपुट साइड पे रेजिस्टेंस। क्या किससे डिवाइड करूं रेजिस्टेंस के नाम पे? इसमें 100 ओम से, इनपुट रेजिस्टेंस से। तो ये हो गया 1 माइक्रो वोल्ट अपान 100 ओम। तो यहां से आई ये वैल्यू आ गई 2 माइक्रो एम्पियर प्लस 0.01 माइक्रो एम्पियर। ये कौन हो गया? ये हो गया डेल्टा आई बी। समझ गए? नहीं समझ गए? जब तुमने वोल्टेज लगाई, समझो ये वोल्टेज जो है ये कौन है? ये डेल्टा वी बी ई है। तो डेल्टा वी बी ई से क्या होगा? डेल्टा आई बी बराबर क्या? जितना वी बी ई में चेंज हुआ और डिवाइडेड बाई इनपुट रेजिस्टेंस। बात समझ में आई नहीं आई? क्लियर? अब ये बेस करंट में इतना चेंज हो गया, तो बेस करंट में इतना चेंज हुआ तो कलेक्टर करंट में क्या चेंज होगा भाई? कलेक्टर करंट में चेंज डेल्टा आई सी बराबर बीटा डेल्टा आई बी। बीटा है 50 और डेल्टा आई बी है 0.01 माइक्रो एम्पियर, तो ये हो गया 0.5 माइक्रो एम्पियर। 0.5 माइक्रो एम्पियर लिख लो या 0.0005 मिली एम्पियर लिख लो, समझे? तो अब जो कलेक्टर नई करंट कलेक्टर करंट होगी वो कितनी हो जाएगी? नई कलेक्टर करंट हो जाएगी पुरानी करंट कितना? 0.1 मिली एम्पियर प्लस 0.0005 मिली एम्पियर, सही है? कलेक्टर करंट पहले इतनी थी, अब इतनी बढ़ जाएगी। अच्छा, अब जब कलेक्टर करंट इतनी बढ़ जाएगी तो ऐसे केस में अब वीसीसी माइनस आईसीआरसी की वैल्यू क्या होगी? ध्यान दो, जब ये आईसी की वैल्यू बढ़ेगी तो ये वैल्यू बढ़ेगी नहीं, ये वैल्यू घट जाएगी, ठीक है? ये वैल्यू पहले कितनी थी? 8। अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? डेल्टा आईसी इंटू आरसी। पहले ये वैल्यू 8 वोल्ट थी, अब जब तुम आईसी को बढ़ा दोगे तो आईसी बढ़ाओगे तो ये वैल्यू टोटल क्या होगी? घट जाएगी। कितना घटेगी? ये करंट में चेंज इंटू आरसी। डेल्टा आईसी है, आरसी कहाँ गया तुम्हारा? ये रहा 200, मल्टीप्लाई कर दो, 200 × 5 = 1000। तो यह आ जाएगा 0.1 मिली वोल्ट, 0.1 मिली वोल्ट। तो ये आ जाएगा 8 − 0.1 मिली वोल्ट, जिसको आप लिख सकते हैं 8 − 0.0001 वोल्ट या 7.9999 वोल्ट। तो आपने क्या देखा कि जब आपने इनपुट वोल्टेज को बढ़ाया तो आउटपुट वोल्टेज क्या हो गई? घट गई। और यहां पर आप अगर अब आउटपुट वोल्टेज लिखना चाहें तो आउटपुट वोल्टेज यहां पर आपकी 0.1 मिली वोल्ट नहीं, -0.1 मिली वोल्ट है, -0.1 मिली वोल्ट। क्यों? क्योंकि ये जो नॉर्मल वैल्यू थी, फिक्स वैल्यू थी, उससे वैल्यू घट गई है। आप ध्यान दीजिए, आउटपुट साइड पर वोल्टेज ये थी, जब आउटपुट साइड पर करंट बढ़ी तो ये टर्म क्या हो गया? घट गया। तो ये घट गया तो इसमें जो चेंज है हमें उससे मतलब है। कैपेसिटर सिर्फ चेंज को पास ऑन करेगा, चेंज को पास आउट करेगा, तो चेंज कितना है? 0.0 −0.1 मिली वोल्ट। तो वो हमको ऐसे आउटपुट वोल्टेज मिल जाएगा। तो ऐसे करके हम बात कर सकते हैं और ये बात बता सकते हैं कि देखो भाई, जब इनपुट वोल्टेज को बढ़ाया गया
तो बेस करंट बढ़ गई, बेस करंट बढ़ने से कलेक्टर करंट बढ़ गई, और कलेक्टर करंट बढ़ गई तो ये जो वोल्टेज थी ये वोल्टेज क्या हो गई, घट गई, और ये वोल्टेज घट गई तो आउटपुट वोल्टेज हमारी निगेटिव में आ जाएगी, क्योंकि चेंज जो है वो निगेटिव है। जब कोई चीज़ बढ़ती है तो चेंज क्या होता है, पॉजिटिव, घटती है तो चेंज क्या होता है, निगेटिव। तो यहाँ ये चीज़ घट रही है तो इसमें चेंज निगेटिव है, तो आउटपुट वोल्टेज इज चेंज। आप एसी की बात कर रहे हैं, जब आप वीआई और वीओ की बात करते हैं तो आपका मतलब है एसी, एसी का मतलब चेंज, तो वैल्यू बढ़ने का मतलब पॉजिटिव, घटने का मतलब निगेटिव। तो इसको नोट कर लीजिए। अगर इसी में हमने VI की वैल्यू जो है वो -1 माइक्रोवोल्ट ले ली होती तो यही वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएंगी। ठीक है, ये देखिए कुछ इस टाइप से VI की वैल्यू -1 ले लेते हैं। तो अगर VI नेगेटिव कर दिया, यानी इनपुट वोल्टेज, बेस एमिटर वोल्टेज को कम करने की कोशिश हो रही है, तो करंट भी क्या हो जाएगी, बेस करंट कम हो जाएगी, तो ये क्या माइनस, तो ये माइनस हो गया, बेस करंट क्या हो गई, घट जाएगी, बेस करंट घट जाएगी तो कलेक्टर करंट भी क्या होगी, घट जाएगी। कलेक्टर करंट जो है उसमें जो चेंज है ये देखिए, ये क्या हो गया, इसमें डिक्रीज, इसमें भी डेल्टा आई सी, इसमें भी क्या हो जाएगा, क्या हुआ है, डिक्रीज होगा। ठीक है, इसको मुझे नेगेटिव लिख देना चाहिए, लेकिन मैंने कहा मैं नेगेटिव नहीं लिख रहा हूँ, मैं बस ये बता रहा हूँ कि ये बढ़ रहा है या घट रहा है। तो करंट आई सी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज, और करंट आई सी जब डिक्रीज हो जाएगी तो ये आई सी की नई वैल्यू इतनी हो जाएगी। अब IC जब घटेगा तो VCC माइनस ICRC ये वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो VCC माइनस ICRC ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 8 + 0.1 तो ये 8.0001 वोल्ट। और ऐसे में जो आउटपुट वोल्टेज है आपका वो अब क्या होगा, +0.1 मिली वोल्ट, यानी +100 माइक्रोवोल्ट। तो जो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि भाई इनपुट वोल्टेज जब नेगेटिव होगी तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगी, पॉजिटिव। इनपुट के नेगेटिव होने का मतलब यह है कि आप बेस एमिटर वोल्टेज को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, और आउटपुट के पॉजिटिव होने का मतलब क्या हो गया कि VCC माने ICRC की वैल्यू बढ़ रही है। चाहिए हम लोग ये ऐसे ही नेगेटिव को के बात कर सकते हैं। फिर आप कुछ ग्राफ भी बना सकते हैं ऐसे कि जैसे सपोज आपने इनपुट वोल्टेज जो है उसको यहाँ पर दिखाया, ये इनपुट वोल्टेज है, ठीक, अच्छा, करस्पॉन्डिंग IB जो है उस पर ध्यान दीजिए। जब इनपुट वोल्टेज बदलेगी तो IB की जो वैल्यू है उस पर ध्यान दीजिए, IB की जो वैल्यू थी उसका क्या होगा, IB की वैल्यू बढ़ेगी और ये घटेगी। देखिए IB नॉर्मली कितने पे था, IB आपका था 2 माइक्रो एम्पियर पे, और ये इनपुट वोल्टेज आपका +1 माइक्रोवोल्ट से -1 माइक्रोवोल्ट के बीच में जो है वो बैरी किया, तो IB की वैल्यू जो 2 माइक्रो एम्पियर थी वो 2 माइक्रो एम्पियर से थोड़ा बढ़ने घटने लगी। जब इनपुट वोल्टेज बढ़ता था तो IB की वैल्यू बढ़ जाती थी, इनपुट घटता था तो IB की वैल्यू घट जाती थी। ठीक है, कहाँ पर कितना बैरी करता था IB वो आपको पता है, 0.01 माइक्रो एम्पियर का वेरिएशन होता था, वो मैं नहीं दिखा रहा हूँ, वो आपका वहाँ लिखा हुआ है। और फिर आप IC पे आते हैं तो IC का क्या होता है, IC जो है, IC की वैल्यू जो है उस पर ध्यान दीजिए, IC की वैल्यू वो पहले थी आपकी कितनी, फिक्स वैल्यू कितनी थी, IC 100 माइक्रो एम्पियर, IC कितना था, 100 माइक्रो एम्पियर, ये दिख रहा है नहीं दिख रहा है, तो 100 माइक्रो एम्पियर था, तो IC की वैल्यू क्या होगी, वो भी बढ़ेगी और घटेगी। ये देखिए 100 माइक्रो एम्पियर से थोड़ा बढ़ने घटने लगी, कितना, 0.5 माइक्रो एम्पियर, 100 से 0.5 ज़्यादा 0.5 कम होने लगी। फिर जब IC बदलेगा तो जो VCC है वो बदलने लगा, सॉरी VCC माइनस ICRC, इसकी वैल्यू नॉर्मली कितनी दे रखी थी आपको, इसकी वैल्यू नॉर्मली आपको दे रखी थी 8 वोल्ट, अरे VCC माइनस ICRC की वैल्यू आपको कितनी दे रखी थी, 8 वोल्ट। तो जब इनपुट वोल्टेज 0 थी, VI 0 था, तो उस समय तो 8 था, लेकिन जब ये बढ़ेगा घटेगा, IB बढ़ेगा घटेगा, IC बढ़ेगा घटेगा, IC बढ़ेगा तो ये वैल्यू क्या होगी, घटेगी। तो ये ग्राफ आपका बनेगा ऐसे, और ये ग्राफ ऐसे बनेगा, तो इसमें जो वेरिएशन है वही है आपका आउटपुट वोल्टेज। तो आपका जो आउटपुट वोल्टेज है वो कैसे दिखेगा, आउटपुट वोल्टेज ऐसे दिखेगा, समझे, आउटपुट वोल्टेज क्या, -100 माइक्रो एम्पियर से
सॉरी माइनस 100 माइक्रोवोल्ट से प्लस 100 माइक्रोवोल्ट के बीच में, चाहिए। बस इसमें क्या है ये देख लीजिए, कौन सी चीज़ कैसे बढ़ घट रही है। जब VI बढ़ता है तो IB बढ़ता है, IB बढ़ता है IC बढ़ता है, IC के बढ़ने से VCC माइनस ICRC घटने लगता है, तो आउटपुट वोल्टेज भी फिर नेगेटिव में चले जाता है। तो ये जो पाई का फेज चेंज हो रहा है इनपुट और आउटपुट में, वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और उसका कारण क्या है कि जो आउटपुट की ये चीज़ है, ये बढ़ने पर ये घटता है, तो इसीलिए आउटपुट वोल्टेज निगेटिव मिल रहा है, यानी कि पाई के फेज चेंज पर मिल रहा है, सही है। तो इस ग्राफ को जरूर बना लेंगे, ये जो मैंने बनाए हैं ऊपर से नीचे तक ऐसी बना लीजिएगा, और उधर वो जो नेगेटिव वाली वैल्यूज हैं वो भी लिख लो। ये जो नेगेटिव वाली मैंने लिखी है ये नोट कर लीजिए, यहाँ चेंज कर दिया था, ठीक है, उसको जो है लिख लीजिए और ये ग्राफ बना लीजिए।